नमस्कार सभी को। और आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो जो तीसरी वीडियो मैंने बताई थी कि थर्ड वीडियो एक आने वाली है, इसके अंदर अपन लास्ट शॉर्ट इसका नाम दिया है, और वो भी किसके लिए? एनएचएम के लिए। ठीक है, तो एनएचएम की जो तीसरी वीडियो है वो आज मैं अपलोड करूंगा। इसके अंदर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे इसके अंदर। और उनमें से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट ज्यादा रखते हैं कि हर बार क्वेश्चन आने वाले होते हैं उन्हीं को महत्व ज्यादा दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपके एनाटॉमी का क्वेश्चन, वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अलग 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 सब्जेक्ट लिख के उसको मैंने बताया है। और जितना मतलब जो एनएचएम के हिसाब से बनाया है, इतना नहीं है कोई नॉर्थ सेट के हिसाब से बहुत हार्ड होंगे, ठीक है, एनएचएम के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो नमस्कार सभी को, और आज स्वागत है सभी का अपने इस नर्सिंग सक्सेस के इस चैनल पे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, जितने भी जो भी क्वेश्चन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन अपन बात करेंगे। और एनाटॉमी से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आने वाले नहीं है, वो सुपरफिशियली पूछते हैं। ठीक है, और जो ये एनएचएम का पेपर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी बेस्ड आएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आने वाला है और उसके अंदर मेरिट भी बहुत थोड़ी ज्यादा जाने वाली है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ठीक, पहला क्वेश्चन है साइनो एट्रियल नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हेड। तो मैं आपको बता दूं कि जो साइनो एट्रियल नोड है, ठीक है, ये क्या होता है कि हेड के अंदर कुछ इम्पल्सेस, क्या होती है इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होती है, उसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ नोड बनाया गया। ठीक है, कुछ नोड बनाए गए हैं, तो उन नोड को, ठीक है, उन नोड को नाम दिया गया है, जैसे एसए नोड और एवी नोड। ठीक है, प्रोकेंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिज। तो उनमें से जो साइनो एट्रियल एसए नोड है, ठीक है, एसए नोड का दूसरा जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोड, एक दूसरा नाम बोलते हैं। ये क्या करता है, ज्यादा महत्वपूर्ण भाग अपना, मतलब महत्वपूर्ण जो काम है वो सबसे ज्यादा इसी का काम होता है। सबसे ज्यादा हार्ट को जो इम्पल्सेस भेजने का काम होता है, कंडक्टिविटी कराने का काम होता है, वो एसए नोड का होता है। तो जो एसए नोड है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी कराने की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी इसके अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस सारे सिस्टम को क्या बोला गया है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, क्योंकि ये क्या करा कराते हैं, कंडक्टिव कंडक्शन का काम करवाते हैं। अब जो एसए नोड है इसको दूसरा नाम क्या बोला गया, पेसमेकर ऑफ हार्ट। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब पेसमेकर ऑफ हार्ट का इसका मतलब नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट से। ठीक है, इससे क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो एसए नोड का होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, उसके बाद एसए नोड अगर काम नहीं कर रहा तो फिर एवी नोड पे आ जाता है वो भार। ठीक है, और एवी नोड के बाद जो एसए नोड की जो इम्पल्स कंडक्टिविटी जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 60 से लेकर 100 इम्पल्स पर मिनट बीट पर मिनट। ठीक है, तो 60 से 100 तक ये ऐसे नोड पहुंचाता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि साइनो एट्रियल नोड जो ऐसे नोड है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साइनो एट्रियल नोड है, इसकी क्या पूछ रहा है, ये लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। तो इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, तो मेनली देखा गया है कि जो साइनो एट्रियल नोड है इसकी लोकेशन जो होती है, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इसकी लोकेशन होती है राइट एट्रियम पे। ठीक है, जो एट्रियम का जो पार्ट होता है उसके ऊपर होती है। ठीक है, मतलब हल्का बहुत इसको जो वेंट्रिकल जो राइट लेफ्ट एट्रियम है उसके पास भी जाती है, लेकिन इसको मेनली जो माना गया है, ठीक है, मेनली क्या होता है, मेनली कहाँ माना गया है, इसको मेनली माना गया है राइट एट्रियम पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राइट एट्रियम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले और अभी भी आ सकता है, कोई अपन बात नहीं कह सकते कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, अगला क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ द सेल। मेनली क्या होता है, सबको पता है कि पावर हाउस क्या होता है, पावर हाउस क्या होता है कि जो सेल होती है अपनी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती है उनको जो करंट जो पास करने का काम होता है, मतलब उनको जो चलाने का काम होता है, ठीक है, वो किससे
इनमें से किन का होता है? ये जो चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें चार ऑप्शन में क्या क्या है, कौन कौन से ऑप्शन है? न्यूक्लियस है, गोल्जी पार्ट गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हो गया मेन पार्ट। ठीक है, क्या हो गया? सेल का जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, मेनली जो पार्ट होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अंदर जो सेल के अंदर जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या, कौन है? न्यूक्लियस। सेकंड नंबर है गोल्जी बॉडीज, जिसको बोलते हैं गोल्जी गोल्जी अपार्टस, गोल्जी अपार्टस। अब गोल्जी अपार्टस का काम क्या होता है? गोल्जी अपार्टस को वैसे बोला जाता है पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। कोई भी जैसे प्रोटीन का काम होता, प्रोटीन वगैरह हो गए, कोई भी जो न्यूट्रिएंट हो गए, उनको एक जगह से दूसरी को पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती है, गोल्जी अपार्ट। इसको क्या नाम दिया गया है? गोल्जी बॉडीज को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब इनको नाम दिया गया है अलग से। राइबोसोम क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है? सिंथेसिस करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? क्या करता है? सिंथेसिस करता है। मतलब क्या करता है कि जो प्रोटीन होती है उसको बनाने का काम, प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। अब राइबोसोम जो है, ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे आ जाते हैं? ये इसके अंदर राइबोसोम के अलावा भी और भी जो इसके अंदर पार्ट होते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर क्या होता है, ये स्मूथ वाला है ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता, और जो रफ वाला है वो करता है। रीजन बिहाइंड इट, इसकी इसके पीछे रीजन क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब चिपके रहते हैं, कौन चिपका रहता है? कौन चिपका रहता है? राइबोसोम चिपका रहता है। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या कहलाता है? यह भी किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसको क्या बोला है सेल के अंदर? उसको बोला है पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल। ये ह्यूमन सेल की जो पावर हाउस है उसको क्या बोला है? इसको बोला है ये माइटोकॉन्ड्रिया को। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन है, और बहुत बार क्या होता है कि अपन, ठीक है, अपन को इजी लग रहे हैं तो ऊपर फिर भी वहां पे जाने के बाद गलती हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इन टू अनदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, कहना चाहता है क्वेश्चन कि किसी भी एक टाइप की सेल का, ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल ट्रांसफर अनदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि किसी भी एक टाइप के सेल का, जैसे मान लो ये एक तरह की सेल है, ठीक है, ये हो गई इस तरह की या फिर ऐसी तरह की, तो एक टाइप की थी उसका अनदर टाइप हो चुका है, तो उस कंडीशन में उस सेल को क्या बोलेंगे? ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऑप्शन आता है ए के बारे में, अपन बात कर लें। ए क्या बोलता है? हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या बोलता है ए के बारे में? ए बोलता है हाइपरप्लेजिया, मतलब क्या होता है कि जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर जो नंबरिंग के, हाइपरप्लेजिया नंबरिंग के अंदर ग्रोथ होती है, सॉरी, जो नंबर के अंदर ग्रोथ होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, एनाप्लेजिया क्या बोलते हैं? सेल की ग्रोथ के अंदर डिस्टरबेंस हो जाना, डिस्टरबेंस हो जाना किसके अंदर? सेल की ग्रोथ के अंदर। कौन कौन बोल रहा है? एनाप्लेजिया बोल रहा है, मतलब इसको एक को नाम दिया जाता है कि प्री कैंसरियस, प्री कैंसरियस। जो प्री कैंसरियस सेल होते हैं उस टाइप की सेल दिखने लगती है एनाप्लेजिया के अंदर। और डिसप्लेजिया क्या होता है? किसी भी सेल का एबनॉर्मल या किसी भी ग्रोथ के अंदर क्या होता है? जो ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर क्या होता है? डिस्टरबेंस हो जाना, डिस्टरबेंस हो जाना। नॉर्मल ग्रोथ मान लो हो रही है, ठीक है, 5 mm की सेल है, होना है 10 mm, ठीक है, लेकिन वो क्या करती है? एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, या तो उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, तो डिसप्लेजिया क्या हो गया? एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, एनाप्लेजिया, ठीक है, वो प्रिंस सीरीज मतलब ग्रोथ की जो चल रही है सीरीज, उसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाना। ठीक है, हाइपरप्लेजिया क्या होगा? किसी सेल का ग्रोथ के अंदर मतलब बढ़ोतरी होना नंबर के अंदर। ठीक है, अब मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कोई भी एक तरह की सेल दूसरी तरह में बदल जाना, किसी एक तरह की सेल वन टाइप ऑफ सेल अनदर टाइप में बदल जाना, उसको क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, मेटाप्लेजिया किसका बोलते हैं? कि एक तरह की सेल को दूसरी तरह की सेल में बदल जाना, उसको मेटाप्लेजिया बोलते हैं। अब देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वो कितनी होती है? ठीक है, मेनली देखो कि जो थोरेसिक जो वर्टिब्रा होते हैं,
वर्टिब्रा होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, मेनली 26 से लेकर 33 मानते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब 33 के अंदर ये पूछ रहा है कि थोरेसिक, जो थोरेसिक है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, उनकी संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि C7, T12, ठीक है, और सेक्रम कितनी होती है, 5 होती है, और कॉकिक्स कितनी होती है, 5 होती है। मेनली क्या होता है, ये सेक्रम को, जो कॉकिक्स वाली है, इनको क्या एक ही गिना जाता है रीजन, क्योंकि ये क्या है, सारी एक साथ जुड़ी होती है, लेकिन अलग अलग गिने तो ये सारी 4-4-5-5 होती है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि थोरेसिक वर्टिब्रा, अब देखो सर्वाइकल कितनी है, ये चीज ध्यान रखो, सर्वाइकल कितनी है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल है 7, ठीक है। अब थोरेसिक कितनी है, थोरेसिक है 12, सेक्रम 5 है, कॉकिक्स 5 है, तो ये कितनी होगी टोटल, आप जोड़ लीजिए, 19 हो गई, 19 तो ये हो गई, ठीक है, ये 10 हो गई, कितनी होगी 10 हो गई, तो कितनी होगी 29, ठीक है, ये कितनी होगी 29। तो मेनली देखा जाता है 29, और इनके अंदर अगर वर्टिब्रा ये क्या होती है, इनके अगर पार्ट होते हैं, ठीक है, सारे पार्टों को अगर जोड़ा जाता है तो टोटल कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, तो इसके अंदर थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बींग, ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है ह्यूमन बींग के अंदर, वो होती है कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती है, और जो सबसे पहली जो वर्टिब्रा होती है अपनी, फर्स्ट वर्टिब्रा, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया है, एटलस, और सेकेंड वर्टिब्रा को क्या नाम दिया गया है, एक्सिस। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो यहां से भी, सॉरी, यहां से भी क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट कौन सी एटलस है, सेकंड कौन सी है, एक्सिस है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 12। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वर फर्स्ट डिस्कवर बाय, तो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है अपना, उसको किसने डिस्कवर किया है, ठीक है, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया, तो मैं आंसर बता देता हूं आपको कि ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप का, जो ब्लड ग्रुप है वो डिस्कवर किसने किया है, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया है कॉल लैंडस्टीनर, ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी है। और रोबोट कोच कौन है, रोबोट कोच कौन है, रोबोट कोच कौन है, कि जो लिविंग सेल होती है, ठीक है, लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला आदमी कौन है, रोबोट कोच है। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूहेनकॉक कौन है, इसको भी लिविंग सेल, इसको बोलते हैं माइक्रो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का कौन है, ये फादर साहब है, कौन है, ये माइक्रोस्कोप के पिताजी है, ठीक है। अब पॉल एनरिच, ठीक है, ये पॉल एनरिच आप छोड़ दीजिए, रोबोट कोच, पॉल एनरिच और एंटोनी वॉन ल्यूहेनकॉक को अपन याद रखते हैं। एंटोनी वॉन माइक्रोस्कोप जो होती है, ठीक है, उसके फादर है, ये चीज जरूर ध्यान रखिए, एंटोनी वॉन ल्यूहेनकॉक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रोबोट कोच, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉल लैंडस्टीनर, जिसने क्या किया था, इसका आंसर बी है। और जिसने क्या किया था, क्या किया था, जिसने जिसने क्या किया था, अपनी ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है, उसके बारे में इसने डिस्कवर किया था, इसने पता लगाया था कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, किसका ब्लड ग्रुप अपन कैसे चेक कर सकते हैं, और किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अब ये बोलना अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बींग, ठीक है, प्लेटलेट का काम क्या होता है, सबसे पहले चीज ध्यान रखो, प्लेटलेट, प्लेटलेट का काम क्या होता है, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन करके, ठीक है, क्या करती है, ब्लीडिंग को रोकती है। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति होती है चिपकाऊ, अगर कहीं पे इंजरी हुई, ठीक है, तो वहां उस इंजरी के वहां एज पे जाके चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद जो ब्लड वहां से लॉस हो रहा है उसको क्या कर देगी, रोक देगी। तो अगला ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 से लेके 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख। ठीक है, अब 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख, ठीक है, वो क्या होती है, नॉर्मल प्लेटलेट एक ह्यूमन बींग के अंदर होती है। अब ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कि 25,000 से लेके 50,000, गलत है ये, ठीक है, ये 50,000 से लेके 1 लाख, ये भी गलत है। ठीक है, 4 लाख से लेके 6 लाख, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर जाएगा ये सी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एनएचएम के अंदर कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या है, 1 लाख से 40,000 इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा इसका आंसर, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, हेवर्जियन कैनाल आर फाउंड मेनली क्या होती है, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, जो कॉम्पैक्ट बोन की जो बोलते हैं ना इकाई यूनिट क्या होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसको बोलते हैं ओस्टियो, ओस्टियो या ओस्टियोन, ठीक है। अब जो ओस्टियोन है इसी का दूसरा नाम हैवर्जियन, हैवर्जियन सेल्स या हैवर्जियन कैनाल, ठीक है। हैवर्जियन सेल्स या हैवर्जियन कैनाल क्या होती है कि जो बोन होती है, ठीक है, बोन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और ब्लड, ब्लड की जो आपूर्ति करती है, ब्लड को जो पहुंचाती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है हाइड्रोजन कैनाल, जो कहाँ होती है, बोन के अंदर होती है। और कौन सी बोन के अंदर, मेनली कॉम्पैक्ट बोन के अंदर, ठीक है। अब जो ये हाइड्रोजन कैनाल है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती है जिसके थ्रू क्या करती है ये उस बोन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइड्रोजन कैनाल आर फाउंड इज, जो हाइड्रोजन कैनाल है वो कहाँ पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया अभी कि जो हाइड्रोजन कैनाल है वो कहाँ पाई जाती है आपके बोन के अंदर, इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन और ब्लडिंग, जो ब्लड होता है उसको पहुंचाने का, किसके अंदर, हाइड्रोजन कैनाल के थ्रू, किसके अंदर, बोन के अंदर, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑस्टियोन, या इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन भी बोलते हैं इसको, या स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन कैनाल का जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, बोन होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन कौन सी है, ठीक है। अब कार्पल, जो कार्पल्स बोन होती है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मोस्टली, ठीक है, मोस्टली फ्रैक्चर होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो इसका वो होती है स्कैफोइड बोन, ठीक है, स्कैफोइड बोन होती है, ठीक है। कहाँ होती है, थंब की साइड होती है, ठीक है, थंब की साइड होती है, और कहाँ होती है, जो रेडियस है अपनी, जो रेडियल बोन है, ठीक है, जो स्कोफोइड बोन होती है, ठीक है, ये मोस्ट फ्रैक्चर होती है, ठीक है, मोस्ट फ्रैक्चर बोन होती है कार्पल की, और जो स्कोफोइड बोन है, ठीक है, ये क्या है कि जो रेडियस है अपनी, ठीक है, रेडियल बोन है, ठीक है, रेडियल बोन के जस्ट नीचे की तरफ, ठीक है, कहाँ होती है, नीचे की तरफ, बिलो, इसको अपन बोलते हैं बिलो की तरफ होती है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि इसका आंसर हुआ स्कैफोइड बोन, ठीक है। जो मोस्ट फ्रैक्चर बोन में आती है वो मोस्ट फ्रैक्चर कार्पल बोन कौन सी है, जो हैंड की होती है, जो मैं जो अपनी जो रेडियस होती है, ठीक है, उसके नीचे पाई जाती है बिलो, ठीक है, उसके नीचे पाई जाती है। तो उसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर है स्कैफोइड बोन। स्कैफोल्ड बोन क्या होती है, ज्यादातर क्या होती है, ये ज्यादातर फ्रैक्चर हो जाती है अपने बॉडी के अंदर, तो हाथ के अंदर पाई जाती है मेनली, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि इनमें से सारे हार्मोन क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है, या फिर ये पूछ रहा है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है इनमें से कौन सा। तो मेनली देखो, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है उससे मेनली दो हार्मोन निकलते हैं, पहला होता है वैसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब जो वैसोप्रेसिन है इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जिसको अपन एडीएस भी बोलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन एपी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एसीटीएस भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, क्योंकि इसको हाइपोथैलेमस, जो एडीएच है, ठीक है, वो कहां से निकलता है, वो निकलता है अपने कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच निकलता है। अब जो एडीएच है उसका काम क्या होता है, ठीक है, एडीएच का काम क्या होता है, एडीएच क्या करता है कि जो भी अपने ये डायुरेटिक जो चीज होती है, डायुरेटिक जो जैसे भी जितने भी जो ड्रग होती है उनका ये निष्क्रिय करता है, मतलब इनको हटा देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। जो अपने मतलब बॉडी के अंदर क्या है, ये एंटी डायुरेटिक हार्मोन क्या करता है, फ्लूड का लेवल बढ़ा देता है, क्या होता है, फ्लूड का जो लेवल होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इंक्रीज करने से क्या होगा, ये इंक्रीज करने से क्या होगा कि एडिमा डेवलप होगा,
ठीक है, हाइपरकेलेमिया, ठीक, ओके सॉरी, हाइपोकेलेमिया होगा, क्योंकि जितने हाइपोकेलेमिया हाइपोनेट्रीमिया होगा, रीजन इसका यह है कि अगर बॉडी के अंदर फ्लूड की मात्रा में जो कंसंट्रेशन है हाइपर नेट्रीमिया की, ठीक है, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, किसकी तुलना में, फ्लूड बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है, एडिमा होगा। और ये जो एडीएच है, ठीक है, एडीएच की जो एडीएच मतलब कंप्लीटली मतलब जिसके अंदर नहीं होता, ठीक है, एडीएच क्या होता है, एडीएच की कमी होती है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गई, ठीक है, इंसिपिड, डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज जो इंसिपिडस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एडीएच है उसकी मात्रा खत्म हो जाती है, बिल्कुल एडीएच बहुत कम होता है, मतलब बहुत हट जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है डायबिटीज इंसिपिडस में कि जो एडीएच है वो नहीं रहता, ठीक है, इसकी जो मात्रा है बहुत ही डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस में पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया वगैरह देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी की जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसके अंदर कौन आता है, एडीएच हार्मोन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मैकबर्नीज पॉइंट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपने क्वाड्रेंट हो गए एब्डोमेन के, ठीक है, एब्डोमेन के ये क्वाड्रेंट हो गए। अब इनके अंदर ये पूछा है, इनके अंदर इसने क्या पूछा है, इनके अंदर इसने पूछा है कि जो मैकबर्नी पॉइंट होता है, मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है, ये वाला मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट किससे एसोसिएटेड होता है, ये होता है अपेंडिक्स से, ये किससे होता है, अपेंडिक्स से एसोसिएट होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो मैकबर्नी पॉइंट है, ठीक है, वो अपने बॉडी के जितने भी क्वाड्रेंट है उनमें से कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो मैकबर्नी पॉइंट के हिसाब से अपन देखे जाए, ठीक है, तो राइट इलियक, राइट इलियक, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर इलियक फोसा के अंदर पाया जाता है। मतलब क्या हो गया कि जो जो ये जो अपन ने बनाया है ये, ठीक है, ये एब्डोमेन के क्या है, क्वाड्रेंट, इनमें वो कहाँ पे पाया जाता है, कौन, ये मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, मैकबर्नी पॉइंट पाया जाता है इससे थोड़ा सा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैकबर्नी पॉइंट पाया जाता है जहां पे कौन रहता है, अपेंडिक्स रहती है, ठीक है, और यहाँ पे इसको ये मार्क क्यों, मैकबर्नी पॉइंट क्यों, क्या होता है कभी कभी जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि मैकबर्नी पॉइंट को देखा जाता है, यहाँ पे पाल्पेशन किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेंडर वगैरह कुछ हो या फिर पेन हो तो उसको क्या क्या उसका डायग्नोसिस किया जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आगे उसका फर्दर डायग्नोसिस किया जाता है। तो इसका जो मैकबर्नी पॉइंट है वो अपेंडिक्स की सारी मतलब लोकेशन बताता है, तो मैकबर्नी पॉइंट कहाँ था, कहाँ होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, कहाँ होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, कहाँ होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अब जो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, तो ऑप्शन के अंदर क्या है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑप्शन लेफ्ट लोअर, ये लेफ्ट लोअर नहीं होता, लेफ्ट वाले हटा दो, ठीक है, अपर के अंदर होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा राइट लोअर क्वाड्रेंट, आंसर क्या जाएगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, अगर इफ द फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स इज ए बी एंड ए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन ऑफिस, मतलब ये बोलना चाह रहा है कोई बच्चा है, ठीक है, कोई पेरेंट्स है, ठीक है, कोई पेरेंट्स है जिनके क्या फिनोटाइप्स कौन कौन से हैं, ए ए बी और ए बी, मतलब उनका ब्लड ग्रुप क्या है, बी और ए बी है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनमें से, इन ब्लड ग्रुप में से नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा कौन सा है जो इनमें से उनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो मैं आपको बता दूं कि अपन मेल मान लो जैसे बी हो गया, ठीक है, इधर रहता है बी और इधर रहता है ए बी, ठीक है, और जब बी का जो साथ वाला होता है उसको ओ माना जाता है, ठीक है, तो अपन को क्रॉस मैच करवाते हैं, तो जैसे बी, ठीक है, सॉरी, एक तो हो गया बी बी, ठीक है, बी बोल लेता है मतलब ओनली बी, ठीक है, एक हो गया ओनली ए, ठीक है, एक हो गया ओनली बी ओ, ठीक है, और एक हो गया ए बी, ठीक है, मतलब इसका करवाओ पहले इससे, ये हो गया मतलब इसका करवाओ पहले इससे ए बी, ठीक है, उसके बाद इसका कराओ इससे बी बी, ठीक है, इसका कराओ पहले इससे ए ओ, ठीक है, फिर इसका कराओ बी ओ, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ओ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कि
कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपन को कौन कौन से मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है बी, एक मिल रहा है ए, एक मिल रहा है बी और एक मिल रहा है ए बी, ठीक है, ये मिल रहा है अपन को। अब इनमें से ये पूछ रहा है कि इन फिनोटाइप में से, जो ये फिनोटाइप दिए हुए हैं ठीक है ये वाले, ठीक है, इनमें से कौन से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वो ब्लड ग्रुप नहीं होगा किसी आने वाले बच्चे का, ठीक है, कभी भी ये अगर मतलब बच्चे पैदा करते हैं तो इनमें ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं होगा। तो आंसर देखिए, इसके अंदर बी है तो बी होगा, ठीक है, ए है तो ए बी होगा, ठीक है, और ए बी भी होगा, ठीक है, ए बी भी लिखा हुआ तो ए बी भी होगा। अब रहे ओ, तो इसके अंदर कौन सा फिनोटाइप नहीं होगा, वो नॉट पॉसिबल ऑप्शन ऑफिस कनिंग अंदर, जो ओ वाला है वो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, ओ वाला इसके अंदर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है, इसका आंसर जाएगा डी। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कैसे निकालना है इनको, कि अगर ये फिनोटाइप का अगर कोई भी ब्लड ग्रुपिंग या कोई ऑफिस स्पेलिंग के लिए पूछ रहा है पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप देखे, तो आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है, ये जो मैंने बताया है इस तरीके से आपको निकालना है, दोनों को रखना है और देखना है कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है बच्चों के अंदर, ठीक है, आने वाली जनरेशन के अंदर। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर इज, ठीक है, क्या होता है कि अगर नॉर्मल आप नॉर्मल कहीं पे बैठे हो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो, आपको कोई भी ट्रिगर नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी ट्रिगर नहीं कर रहा, तो ये पूछा है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड, जब आप इंस्पायर्ड एयर लेते हो, ठीक है, इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड है, ठीक है, तो वो कितनी होती है। तो मेनली क्या होता है कि इस जो कंडीशन जो मैंने आपको ये बताई, ये सारी कंडीशन, इनको क्या बोलते हैं, इनको एक तरीके से बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इसको बोला जाता है। अब नॉर्मली आप देखो कि टाइडल वॉल्यूम कितने कौन सा होता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर अपन चल रहा है, कोई भी अपन डीप इंस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, 500 ml। राइट आंसर क्या होगा इसका, 500 ml। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल बाय, ठीक है, ओके, ये बोल रहा है कि जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, इसको कंट्रोल करने का, ठीक है, क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर कुछ जैसे इंपल्सेस होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, जैसे अपन खाना खाने बैठे हैं, ठीक है, जो अपना स्टमक है वो फुल हो चुका है, ये अपन को मैसेज आता है, ठीक है, ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से मैसेज आता है कि आपका खाना, आपको मतलब आपका पेट फुल हो चुका है। अगर ब्रेन से क्या होता है ये कंट्रोल नहीं होता, अगर ब्रेन से ये इम्पल्स नहीं आते, ठीक है, तो क्या होता, अपन खाए जाते हैं 10 15 15 20 25 30 40 रोटियां खा जाते हैं और पेट फट जाता। तो इस जो कंट्रोल है ये, ठीक है, ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल को अपन को बताने वाला कौन सा, इनमें से कौन है जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं, इसका जैसे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं सेटाइटी सेंटर, सेटाइटी सेंटर मतलब क्या होता है, सेटाइटी सेंटर मतलब क्या होता है कि जो अपनी भूख मर चुकी है, ठीक है, भूख मर चुकी है, भूख मर चुकी है, ठीक है, जो भूख लगती है उसके बाद अपन खाना खाते हैं तो वो जो भूख मर जाती है उसको जो कंट्रोल करने का काम होता है, उसका किसका काम होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। और याद रखना कि हाइपोथैलेमस और क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और बाकी ये जो ग्लैंड है ये सारी सारी क्या है, ओनली ग्लैंड है जिनके अंदर अपन हार्मोन के बारे में जो मैंने पिछली क्लास के अंदर सारी चीजें बताई है इनके अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ईटिंग बिहेवियर को जो कंट्रोल करने का जो काम होता है वो किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको, थोड़ी क्या है हाल, थोड़ी तबीयत में थोड़ा सुधार नहीं है अभी, तो अगर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जंक्शन थ्रू विच न्यूरोन कम्युनिकेट विद अन वन अनोदर, ठीक है, ऐसा जंक्शन, जैसे ये मान लो ये जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये जंक्शन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जंक्शन है, ठीक है, अभी बोल रहा है कि ये दो न्यूरॉन है, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट न्यूरॉन और ये सेकंड न्यूरॉन, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कोई दो जैसे जंक्शन के बीच में, ये जंक्शन हो गया, अपने जंक्शन बना दिया यहाँ का, ठीक है, ये जंक्शन बना दिया, अभी ये बोल रहा है न्यूरॉन कम्युनिकेट विद वन अनदर, मतलब दो जंक्शन के बीच जो न्यूरॉन कम्युनिकेट होते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं। तो मेनली आंसर इसका डायरेक्ट मेरे हिसाब से सबको आता होगा, इसका आंसर जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं, और इनके बीच में जो जगह होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्नैप्टिक क्लेफ्ट,
सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो जंक्शन होता है कोई भी न्यूरो का न्यूरो न्यूरो जो ट्रांसमिशन होते हैं आसपास में, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन उनके बीच की जगह को क्या बोलते हैं, स्नेप्स बोलते हैं, ठीक है। वहां से वो स्नेप से ही वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक, ऐसी कौन सी आर्टरी है जो क्या करती है, आर्टरी जो क्या करती है हेड और नेक, अपनी जो हेड होती है, ठीक है, अपना सिर हो गया, ठीक है, और अपने जो गर्दन हो गई उनको क्या करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनमें से कौन सी आर्टरी है, तो ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मेजेंट्रिक आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी। तो मैं बता दूं कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो अपना हार्ट है, दिल है, ठीक है, अपना दिल है उसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद मेजेंट्रिक आर्टरी होगी, ये मेजेंट्रिक क्या करती है कि अपनी जो इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, इंटेस्टाइन को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद इंटरकोस्टल हो गई, ठीक है, ये अपने जो कोस्टल है, कोस्टल मतलब जो अपने कोस्टल है उसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इसके बाद जो बचा है, ये मैंने तीनों बता दिए, ठीक है, इसके बाद बताया तो ये बोल रहा है कि हेड एंड नेक जो अपना सिर है और गले को जो सप्लाई करती है वो कौन सी होती है, कैरोटिड आर्टरी, कौन सी होती है, कैरोटिड आर्टरी आपकी हेड और नेक को सप्लाई करती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना क्योंकि क्या है कि अब एग्जाम परसों के दिन है, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है क्योंकि अपन को क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो करने हैं, वो दिमाग से मतलब अपन को देखने हैं, आंखों के बाहर से निकालने हैं, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में फिर टाइम लगेगा बहुत सारा, ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करना, ठीक है, बस ये क्वेश्चन देखने हैं आपको और ज्यादा कुछ पंचायती नहीं करनी। तो एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि एंजाइम, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है, फैट का है, फैट का डाइजेशन ये करता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये ऑप्शन है अमाइलेज, लाइपेज, एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। तो लाइपेज, ठीक है, जो फैट होती है, ठीक है, फैट का जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है, इनमें से, इनमें से करता है लाइपेज, कौन करता है, लाइपेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, फैट का क्या करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है, फैट का डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज करता है। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्लास है ये समझाने के पर्पज से नहीं है, ओनली फॉर इसको आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। किडनी इज सिचुएटेड, ठीक है, जो किडनी है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, सबसे मेन क्वेश्चन है, मुझे जहां तक पता है आप अपने मन में दोहराइए इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर अपने मन में दोहराइए, ठीक है। सॉरी, इसका जो आंसर है वो अपने मन में दोहराइए। तो इसका आंसर मैं बता दूं, ठीक है, तो जो किडनी है, ठीक है, वो डोर्सल के अंदर नहीं जाएगी, थोरेसिक के अंदर नहीं जाएगी, थोरेसिक के अंदर जो अपने फेफड़े वगैरह आते हैं वो आते हैं, ठीक है। इसके बाद पेल्विक के अंदर जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, ठीक है, वो आएंगे। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या जाएगी, किडनी जाएगी, क्या जाएगी, किडनी इसमें जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है, क्योंकि बहुत जने इसको पेल्विक कैविटी लिखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो किडनी है, ठीक है, ये कहाँ जाएगी, एब्डोमिनल ऑर्गन के अंदर आएगी। और ये जो किडनी है, ठीक है, ये कौन सा ऑर्गन होता है, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं कि अपने जो एनाटॉमी के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। एनाटॉमी कंप्लीट तो नहीं बोलते, लेकिन जो एक सुपरव्यू होता है कि इनमें से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे फंडामेंटल क्वेश्चन, ठीक है, अपन किसके बारे में बात करेंगे, अपन बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में। तो फंडामेंटल के मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चन डाले हैं इसके अंदर, क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, और जो प्रीवियस जो जितने भी अपन जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है, और जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अपन देखते हैं फंडामेंटल के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगल है वॉज बॉर्न इन विच कंट्री, ठीक है। जो फ्लोरेंस है जिसको अपन बोलते हैं, जो फ्लोरेंस है नाइटिंगल, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मदर ऑफ नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग और फादर ऑफ नर्सिंग, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, लेडी विद लैम,
लेडी विद लैंप बोलते हैं, ठीक है, लेडी विद लैंप, जो कौन से वार के अंदर इनको लेडी विद लैंप क्यों नाम दिया, क्योंकि जो क्रिमिनल क्रिमिनल वार वार हुई थी, ठीक है, युद्ध हुआ था, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि एक लैंप की सहायता से, उस टाइम क्या लाइटिंग थी नहीं, तो लैंप की सहायता से जितने भी रोगी थे, ठीक है, जितने भी पेशेंट थे, उनकी क्या करी थी, उनकी मदद करी थी, उनकी हेल्प करी थी, ठीक है, उनको जो भी केयर होती है, जो केयर क्या की, केयर प्रोवाइड करवाई थी, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, लेडी विद द लैम्प, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्लोरेंस जो नाइटेंगल है उनका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इन उनका जन्म, उनका जो जन्म है, ठीक है, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस सिटी है, और ये फ्लोरेंस जो सिटी है वो कहाँ पे है, इटली के अंदर है, फ्लोरेंस सिटी इटली के अंदर इनका क्या हुआ था, इनका हुआ था जन्म हुआ था, ठीक है। और ये जो इनकी जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। इनकी डेथ कहाँ हुई थी, इंग्लैंड के अंदर लंदन में, ठीक है, इनकी डेथ कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में लंदन में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बार फ्लोरेंस सिटी इटली में हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 के अंदर, ठीक है, कब हुआ था, 12 मई 1820 के अंदर। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनका जन्म कब हुआ था, 12 मई 1820 में हुआ था, और इसी दिन जो ये 12 मई है, ठीक है, जो 12 मई है, इसी दिन 12 मई को जब इनका जन्म हुआ 1820 के अंदर, ठीक है, इसी दिन क्या बनाया, क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सिंग डे इसको मनाया जाता है 12 मई को, याद रखना, ठीक है, 12 मई को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो फ्लोरेंस नाइटेंगल है, ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटेंगल है, ये भी चीज याद रखना कि जो फ्लोरेंस, इनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है, इनकी डेथ हुई थी 10 अगस्त 1910 को, ठीक है, 10 अगस्त 1910 को इनकी डेथ हुई थी, और कहाँ हुई थी, लंदन इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है कि होस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, जो होस्पाइस एक केयर होती है, ठीक है, होस्पाइस होस्पाइस एक केयर होती है जो इन पेशेंट को दी जाती है, ठीक है। अब होस्पाइस केयर कब दी जाती है, जब टर्मिनल स्टेज होती है, टर्मिनल सॉरी, जो टर्मिनल, टर्मिनल स्टेज होती है किसी पेशेंट की, ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि ये होस्पाइस केयर दी जाती है, ठीक है। तो वो होस्पाइस केयर कब दी जाती है, टर्मिनल स्टेज, टर्मिनल कौन सी स्टेज, जब कैंसर की जो स्टेज आती है, ठीक है, उसके अंदर ये होस्पाइस केयर दी जाती है। तो होस्पाइस इस कॉन्सेप्ट क्या है कि होस्पाइस केयर इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट, होस्पाइस जो केयर होती है उसका कॉन्सेप्ट का, कौन किसका ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। तो ये किसका ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है किसका, ये किस पेशेंट है, ट्रीटमेंट इन पेशेंट, कैंसर पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट, ऑल ऑफ द, सॉरी, इसके अंदर आंसर क्या है, आंसर है ए, इसके अंदर ये जो कैंसर से पीड़ित जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी लास्ट स्टेज चल रही होगी, ठीक है, उनको कौन सी केयर दी जाती है, होस्पाइस केयर दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी मतलब जो सिम्टम्स होते हैं लाइक पेन वगैरह, उनको मतलब दर्द रहित मौत होती है, उसको बचाने के लिए उसको होस्पाइस केयर दी जाती है, ठीक है, और जितने भी पेन वगैरह होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन पेशेंट नॉट लेइंग डाउन, ठीक है, इन विच फॉलोइंग पोजिशन पेशेंट इज नॉट लेइंग डाउन, ठीक है, इनमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी पोजिशन है जिनके अंदर पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट इज नॉट लेइंग डाउन, सॉरी ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन है कि देयर आर हाउ मेनी डेसीलेटर इन 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर, जिसे मान लो 1 लीटर के अंदर कितने डेसीलीटर होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 लीटर के अंदर कितने डेसीलीटर होते हैं, तो याद रखना 1 लीटर अगर 1 लीटर है, ठीक है, तो उसके अंदर कितने डेसीलीटर होंगे, 10 डेसीलीटर होंगे, ठीक है, 10 डेसीलीटर 1000 ml में, 1000 ml बराबर 10 dl, ठीक है, ये चीज याद रखना। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 1 टीस्पून में, ठीक है, 1 टीस्पून के अंदर कितने ml होते हैं, तो
एक टी स्पून के अंदर कितने हो गए, 5 ml हो गए, और एक टेबल स्पून के अंदर, टेबल स्पून के अंदर कितने हो गए, 25 ml। ठीक है, एक मतलब क्या होता है कि एक टी स्पून 5 ml का होगा, एक टेबल स्पून इंटू 5 कर दो, ठीक है, तो टेबल स्पून कितने हो गए, 25 ml का होगा, और एक टी स्पून 5 ml का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग पेशेंट हु कम टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड डिटरमाइनिंग द मैनेजमेंट प्रायोरिटी स्कोर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मतलब ऐसी प्रोसेस बतानी है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, पेशेंट आया इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, जब पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आता है तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस को नाम दिया गया है, ठीक है, उस इमरजेंसी में आने के बाद उस पेशेंट को उस प्रोसेस के हिसाब से देखा जाता है, मतलब उस प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन क्या कहते हैं कि एक ऑप्शन ए है मिराज, ऑप्शन बी है लावाज, ऑप्शन सी है ट्राइज और ऑप्शन डी है कोलाज। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बता दूं कि जैसे कोलाज तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जो मिरेज है इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो लावाज क्या हो गया, लावाज करवाना पेशेंट, अगर कोई किसी पेशेंट ने कुछ स्टमक के अंदर कुछ ले लिया, ठीक है, कुछ भी कंटामिनेट चीज ले, तो उसको वापस निकालना लावाज कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ इसका, तो क्या हो गया ट्राइज, ट्राइज क्या 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 हो गया ट्राइज, इसके अंदर क्या होता है, कुछ कलर कोडिंग होती है, ठीक है, येलो ग्रीन और ब्लैक, ब्लैक के अंदर पेशेंट को क्या कर देते हैं, डेथ घोषित कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन के अंदर क्या होता है, पेशेंट रहता है इमरजेंसी, ठीक है, और इसके अंदर पेशेंट इमरजेंसी और अर्जेंट, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये भी अर्जेंट रहता है लेकिन इमरजेंसी वाला अर्जेंट, मतलब इसको अपन सबसे पहले ग्रीन को देखेंगे, ठीक है, ग्रीन के बाद येलो को देखेंगे, ठीक है, और डेथ वाले को अपन बाद में नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या डेथ वाला पेशेंट को कलर कोड कौन सा देते हैं अपन, ब्लैक देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, व्हाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म, ठीक है, अपर आर्म जो है, ठीक है, जो अपर आर्म है उसके अंदर क्या करना है अपन को, अपर आर्म, ठीक है, ब्लड प्रेशर कर रहे हैं अपर आर्म में, द चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका अपर आर्म हो गया, ठीक है, ये आपका अपर आर्म हो गया, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अपर आर्म पे आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपने क्या किया, ब्लड प्रेशर का कफ लगाया, द चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप, जो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, उसका जो चेस्ट पीस होता है ये वाला, तो प्लेस्ड और विच फॉलोइंग आर्टरी, तो वो कौन सी आर्टरी के ऊपर अपन रखेंगे, तो मेनली आपने देखा होगा कि जब भी अपन ब्लड प्रेशर लेते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे, इसको जो चेस्ट पीस है वहां कहाँ पे रखा जाता है, इस जगह पे रखा जाता है, ठीक है, इस जगह पे रखा, तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है, मेनली जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी अपन इसको से असेस करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक चीज और याद रखिएगा, जो अपन जो बीपी लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ये होता है स्पाइगोमीटर, ठीक है, बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका जो पाइप होता है, ठीक है, उसको किस साइड में रखेंगे, तो उसको कहाँ रखेंगे, उसको रखेंगे मीडियम साइड में, कहाँ रखेंगे, मीडियम मतलब बीच के साइड में उसको रखेंगे, ठीक है, कहीं लेटरल साइड में अगर कहीं नहीं रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबाउ व्हाट बॉडी टेम्परेचर द टर्म हाइपर पायरेक्सिया इज यूज्ड। हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। तो इसमें एक फिक्स डाटा दिया गया है कि हाइपर पायरेक्सिया अपन किस कहाँ कितने तक होने पे अपन हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, तो 105 डिग्री फॉरेनहाइट से या तो बराबर हो, ठीक है, या तो बराबर हो इसके, या इससे ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में अपन पेशेंट को क्या बोलेंगे, हाइपर पायरेक्सिया अपन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी, जाएगा 105 डिग्री फॉरेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न विच पोजिशन इज बेनिफिशियल। ओके, नॉर्मल क्या कराना है, ब्रीथिंग होनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग होनी चाहिए पेशेंट की, तो इनमें से कौन सी पोजीशन अपन देंगे, कौन सी पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करवा रहे हैं अपन किसी पेशेंट को, तो इनमें से कौन सी पोजीशन है जिसके अंदर अपन पेशेंट को रखने पे वो क्या करेगा, नॉर्मल ब्रीथिंग
आराम से ले सकेगा। ठीक है, तो सिम्स पोजीशन है, नी चेस्ट पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन और डॉर्स पोजीशन। ठीक है, डोर्सल के अंदर अपन क्या करते हैं कि ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है, ठीक है, और नी चेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो जो ये फेफड़ों वाला हिस्सा होता है, ठीक है, लंग्स वाला, ये थोड़ा सा क्या होता है मतलब दब जाता है। ठीक है, जैसे अपन नीचे इस पोजीशन लेंगे तो ये नीचे की तरफ रहेगा तो अच्छे से सांस नहीं आएगी। ठीक है, और सिम्स पोजीशन के अपन अंदर नहीं कर सकते क्योंकि ये भी क्या है, सिम्स लेटरल हो या लेफ्ट राइट लेटरल हो, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है कि जो लंग्स होते हैं वो नीचे की तरफ दब जाते हैं। तो आंसर इसका क्या है, आंसर इसका फोवलर है, सॉरी इसका आंसर क्या है, फोवलर है। अब फोवलर के अंदर भी क्या है, फोवलर के अंदर भी क्या है, फोवलर के अंदर भी अपन कौन सी फोवलर दे सकते हैं, मेनली इसके अंदर दी जाती है जैसे हाई फोवलर, हाई फोवलर पोजिशन मेनली होती है, और अपन लो फोवलर पोजिशन भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोवलर पोजिशन प्रोवाइड टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रा ओशियस इंजेक्शन इज गिविंग इन। ठीक है, इंट्रा ओशियस याद रखना, इंट्रा ओशियस ओशियस इंजेक्शन अपन कहां देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस, ठीक है, और इंट्रा ओशियस। तो इनके अंदर क्या है, इंट्राडर्मल कहाँ दी जाती है, डर्मिस लेयर पे, ठीक है, डर्मिस लेयर के अंदर दी जाती है। इंट्रामस्कुलर मसल्स होते हैं उसके अंदर दी जाती है। इंट्रावेनस क्या आती है, वेन के अंदर दी जाती है, ठीक है, और इंट्राओसिस क्या होगी, बोन मेरो जो है, ठीक है, बोन मेरो के अंदर दी जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, बोन मेरो के अंदर दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है बोन मेरो। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग गिविंग एनिमा इफ द पेशेंट कंप्लेन फॉर एब्डोमिनल क्रैम्प द नर्स शुड, ठीक है, क्या होता है कि जो एनिमा जब दे रहे हैं, ठीक है, एनिमा जब देते हैं किसी पेशेंट को, तो पोजीशन होती है अपनी कौन सी, लेफ्ट लेटरल, ड्यू क्योंकि क्योंकि जो 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 एनल कैनाल है, ठीक है, एनल कैनाल है, क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, तो जो एनिमा है वो आराम से अंदर की तरफ जा सके, इसलिए अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल या सिम्स पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एनिमा हो रहा है, एनिमा अपन किसी पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो किसी पेशेंट को अपन एनिमा दे रहे हैं, ठीक है, तो एनिमा के अंदर किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, क्रैम्प हो रहे हैं, ठीक है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, क्रैम्प आने पर क्या होता है, मेनली अगर अब अनक्लेक्स की बात करें, ठीक है, अनक्लेक्स के हिसाब से क्या होता है कि जो भी फ्लूड होगा उसको स्लो करेंगे हल्का, ठीक है, स्लो करने के बाद अगर वो क्रैम्प सबसाइड हुए तो ठीक है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर सबसाइड नहीं होते कंटिन्यूसली अगर क्रैम्प आते रहते हैं तो फिर इसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल अपन गाइडलाइन देखें, ठीक है, अपने राजस्थान के हिसाब से, तो इसका आंसर जो है वो जाएगा, इसका आंसर जाएगा स्टॉप एनिमा गिविंग, जो एनिमा है अपन उसको नहीं देंगे आगे फर्दर, ठीक है, अगर क्रैम्प हो रहा है तो नहीं देंगे। और एक और चीज याद रखना, जो एनिमा है, ठीक है, एनिमा होता है उसकी जो कैन की हाइट होती है, कैन की हाइट होती है वो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इज यूज ऑफ, मतलब ये पूछ रहा है कि इनमें से ये इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा लीजिए, मेनली होता है हैंड वॉशिंग, क्योंकि शुरुआत अपन यहीं से करते हैं, ठीक है, सारी चीजें जितने भी शुरुआत होती है वो अपन हैंड वॉशिंग से करते हैं, तो प्रिवेंट किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कदम होता है वो क्या होता है, हैंड वॉशिंग होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए, याद रखना, अगर आपके, मैं कह देता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये देख लो मैंने 3 4 बार 5 6 बार इसके स्टार बना दिया, तो ये क्वेश्चन 99.99% मेरा दावा है, ये क्वेश्चन एक आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और उसका आंसर आपको ऑप्शन ओनली फॉर ये देखना है, हैंड वॉशिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको वही टिक करके आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हैंड वॉशिंग, इसका आंसर क्या है, हैंड वॉशिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, डी एक्स मीन्स क्या होता है? डी एक्स ये बोल रहा है कि डी एक्स मीन्स क्या होता है? ठीक है मैं बता दूं आपको, आर एक्स मीन्स होता है ट्रीटमेंट, ये एब्रीवेशन है ठीक है। और डी एक्स मीन्स क्या होता है? डी एक्स मीन्स होता है डेट ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है डी एक्स मीन्स क्या होगा? डेट ऑफ डायग्नोसिस नहीं होता ठीक है। ठीक है पहला ऑप्शन है डेट ऑफ डायग्नोसिस, ये नहीं होता ठीक है, ये नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है डायग्नोसिस, तीसरा ऑप्शन है डेट ऑफ द पेशेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है ट्रीटमेंट। ठीक है तो ट्रीटमेंट तो क्या हो गया, ट्रीटमेंट को तो अपन एब्रिविएशन लिखते हैं आर एक्स करके, और डेट ऑफ जो डायग्नोसिस है, सॉरी जो डायग्नोसिस है उसको क्या करते हैं अपन डीएक्स लिखते हैं। डायग्नोसिस का जो होता है वो एब्रिविएशन वो क्या होता है? डीएक्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया बी। ठीक है इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्जेक्ट इच। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी इंजेक्शन कर लिया है किसी भी पॉइजन का अपन ने, तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है? ठीक है सिक इंड्यूस वॉमिटिंग, फर्स्ट डायूरेसिस, गैस्ट्रिक लावा, सिक इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई ड्रग। ठीक है तो याद रखना क्या होता है कि पहला ऑप्शन लिखा है इंड्यूस वॉमिटिंग। इंड्यूस मतलब उसको क्या करना है, वॉमिटिंग करवानी है अपन को। ठीक है तो याद रखना जब वॉमिटिंग कोई भी अगर ऐसा सब्सटेंस हो जो पॉइजनस हो ठीक है, या कोई भी केमिकल हो ठीक है, तो वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं करवाते। रीजन ये है कि जो अपनी म्यूकोजा होती है ठीक है, म्यूकोजा होती है इसोफेगस की, इसोफेगस की वो क्या होती है, डैमेज वापिस डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, वापिस डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या है अपन को इंड्यूस वॉमिटिंग नहीं करवानी। तो ऑप्शन पहला हो गया गलत। ऑप्शन सेकंड है फर्स्ट डायूरेसिस। ठीक है फर्स्ट डायूरेसिस का मीनिंग कुछ नहीं निकलता यहाँ पे। उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज, ओके गैस्ट्रिक लवाज अपन करवा सकते हैं, गैस्ट्रिक लवाज करवा सकते हैं थ्रू एनजी ट्यूब ठीक है, बट उससे पहले अपन को पता करना है एज ए नर्स होने के नाते कि उसने कौन सी ड्रग ली है, कौन सी जो पॉइजन है वो उसने इंड्यूस किया अपनी बॉडी के अंदर, तो उस हिसाब से अपन को ट्रीटमेंट करना है। तो उसका आंसर सिक इन्फॉर्मेशन टू एडवाइस ड्रग, जो ड्रग ली है जो भी पॉइजन लिया है उसका अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है आइडेंटिफाई करना है। ठीक सबसे तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहला आंसर क्या होगा, ऑप्शन आंसर डी होगा इसका। ठीक है आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर है इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑक्सीजन इन रेड कलर वेंचुरी मास्क। ठीक है मतलब ये पूछ रहा है जो रेड कलर का वेंचुरी मास्क होता है, रेड कलर का वेंचुरी मास्क होता है, उसके अंदर कौन सा रेड कलर दे दिया और वेंचुरी मास्क दे दिया, तो जो ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है, ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो कितना होता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है तो जो वेंचुरी मास होता है रेड कलर का, ठीक है रेड कलर का वेंचुरी मास है उसके अंदर कितना परसेंटेज है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना जो नेजल कैनुला होता है, ठीक है सबसे पहले अपन बात करते हैं नेजल कैनुला से। ठीक है नेजल कैनुला से अपन बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ नेजल कैनुला। ठीक है सबसे अपन बात करते हैं नेजल कैनुला से, नेजल कैनुला से ठीक है। नेजल कैनुला 1 से लेकर 4 लीटर तक क्या करता है, जो फ्लो रेट है पर मिनट, लीटर पर मिनट ठीक है, क्या चलती है उसकी ऑक्सीजन चलती है, और कंसेंट्रेशन उसकी क्या होती है 24 से लेकर 36%। कितनी होती है, 24 से लेकर 36% होती है उसकी नेजल कैनुला की। अब आते हैं अपन वेंचुरी मार्क से कलर कोडिंग के हिसाब से, तो वेंचुरी मार्क्स के इसको अलग कर दो। अब आ गए वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क आ गया ठीक है। अब इसका वेंचुरी मास्क का जो कलर कोडिंग के हिसाब से, तो सबसे पहला आता है अपन अपन देखते हैं ब्लू कलर को। ठीक है ब्लू कलर के अंदर क्या होता है कि 2 से लेकर 4 लीटर पर मिनट जो ब्लू वाला है वो करता है, 2 से लेकर 4 लीटर पर मिनट। ठीक है कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी, 24% ठीक है। ब्लू के बाद आता है कौन सा, व्हाइट वाला। ब्लू के बाद कौन सा आता है, व्हाइट वाला। व्हाइट के अंदर कितनी होती है, 4 से लेकर 6 लीटर पर मिनट, और कंसंट्रेशन कितनी होती है इसकी, 28%। ठीक है उसके बाद अगला आता है, व्हाइट के बाद आता है येल्लो। ठीक है येल्लो के अंदर क्या होता है,
है, येलो के अंदर कितना होता है 8 से लेके 10 लीटर, 8 से लेके 10 लीटर पर मिनट, ठीक है। और कहां तक होता है, ये कंसंट्रेशन कितनी होती है, सॉरी कंसंट्रेशन इसकी कितनी होती है 35%, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद आता है अपन बात कर रहे हैं जिसकी रेड की बात, ठीक है, तो रेड के अलावा मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद आता है ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन के अंदर जो फ्लो रेट होती है, ठीक है, वो कितनी होती है 12 से लेके 15 है, कितनी होती है 12 से लेके 15 लीटर पर मिनट, और कंसेंट्रेशन कितनी होती है आप मान सकते हैं 80 से लेके 85%, ठीक है, 80 से लेके 85%। अब बचा ग्रीन वाला, ये सॉरी ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं, ओके सॉरी सॉरी ग्रीन के अंदर है, सॉरी ये जो मैंने, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, ये 85 से 85 नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रीन के अंदर कितनी होती है 60% होती है, ठीक है, मैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे अपन लगते हैं रेड वाला, रेड के अंदर कितनी होती है, रेड के अंदर होती है 12 से लेके 15 लीटर पर मिनट होती है, ठीक है, 12 से लेके 15 लीटर पर मिनट, ठीक है, 12 से लेके 15 लीटर पर मिनट होती है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, इसकी कंसंट्रेशन होती है 40%, ठीक है। तो याद रखना इसके अंदर कितना लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर देखो 40% एंड 10 लीटर पर मिनट, ठीक है, तो अपन मान सकते हैं जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप 12 की जगह 10 से 15 लीटर लिख सकते हो, ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बैठ रहा है, ठीक है, 40% कंसंट्रेशन और 10 लीटर से पर मिनट इसकी कंसंट्रेशन जाती है, किसकी, रेड के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नॉन रीब्रीथर अपने मास्क होता है उसकी कंसंट्रेशन के बारे में, ठीक है, नॉन रीब्रीथर, रीब्रीथर मास्क, इसके अंदर क्या होता है, नॉन रीब्रीथर के अंदर क्या होता है 15 लीटर पर मिनट जाती है, 15 लीटर पर मिनट जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, और परसेंटेज के अंदर कितनी जाती है 85%, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, मुझे जहां तक पता है येलो और ग्रीन, येलो और रेड सॉरी, ठीक है, ये जो येलो, जो येलो 35% और रेड 40%, ठीक है, इनका क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ओके, द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग बाय टॉपिकल फिक्शन और द स्किन इज कॉल्ड, ठीक है, याद रखना। पहला इसके अंदर बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अपन यहाँ पे मतलब हल्का सी रब करके या फ्रिक्शन करके जो भी टॉपिकल ऑइंटमेंट या जो भी क्रीम लगाते हैं उस जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि इंसर्जन, इंसर्जन क्या होता है, किसी भी कैविटी के अंदर डालना, ठीक है, किसी भी कैविटी के अंदर कोई ड्रग डालना उसको क्या बोलते हैं, इंसर्जन बोलते हैं, ठीक है। और इंस्टॉलेशन क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन क्या है, इसे ईयर ड्रॉप हो गई, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो टॉपिकल फ्रिक्शन से लगाते हैं इसको बोलते हैं इन्यूकेशन, इन्यूक्शन, एन्यूक्शन, एन्यूक्शन, इसको एनेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन से टॉपिकल कोई भी ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका बी, कि ऐसी कोई सी भी क्रीम अगर अपन स्किन के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी जो ड्रग या कोई ऑइंटमेंट अपन स्किन के ऊपर फिक्शन से लगा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एनेक्शन बोलते हैं, उसको एनेक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, वुंड ड्रेसिंग डन बाय यूजिंग, तो वुंड ड्रेसिंग होती है, ठीक है, वुंड ड्रेसिंग होती है अपने के कोई वुंड हो गया, ठीक है, जो वुंड हो गया उसकी जो ड्रेसिंग होती है उस ड्रेसिंग को कौन सी टेक्निक द्वारा अपन उस ड्रेसिंग को काम में लेंगे, ठीक है। वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय, जो वुंड ड्रेसिंग होती है उसको अपन कौन सी टेक्निक के द्वारा काम में लेंगे, आंसर लिखा। पहले मैं बता दूं वुंड ड्रेसिंग जो होती है वो एक तरीके से सर्जिकल एसेप्टिक होती है, ठीक है, क्योंकि उसको बाहर वुंड अपन को दिख रहा है तो सर्जिकल एसेप्टिक से अपन काम में लेंगे प्रॉपर, ठीक
है। तो इसके अंदर सेप्टिक टेक्निक लिखा हुआ है, मेडिकल असेप्सिस लिखा हुआ है और सर्जिकल असेप्सिस लिखा हुआ है, मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन कौन सी टेक्निक यूज में लेंगे? सर्जिकल असेप्सिस उसके अंदर यूज में लेंगे, कि वुंड अगर अपन केयर कर रहे हैं तो सर्जिकल असेप्सिस अपन काम में लेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो अब पोर्शन आने वाला है वो आने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। ठीक है, किसका आने वाला है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन और स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला जो सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा और सबसे ब्रॉड जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? एमएसएन। कौन सा है? MS और N। ठीक है, एमएसएन सब्जेक्ट है। इसके कुछ मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाला है तो देख ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं चलते हुए धीरे धीरे आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टिश्यू रिएक्शन इज हाईएस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सूत्रिंग मटेरियल। तो ये बोल रहा है टिश्यू रिएक्शन होती है विच ऑफ द फॉलोइंग सूत्रिंग, कौन से सूत्र मटेरियल से? ठीक है, जो रिएक्शन होती है अपने, जैसे मान लो टांके लगा रहे हैं अपन, ठीक है, तो टांके लगाने का जो धागा होता है, ठीक है, तो वो कौन से धागा से ज्यादा, मतलब उस जो टिश्यू होती है उसके साथ रिएक्शन हो सकती है, वो कंपेटेबल नहीं होता। तो ऑप्शन लिखा हुआ है प्लेन कैटगट, ऑप्शन बी लिखा हुआ है क्रोमिक कैटगट, ऑप्शन सी लिखा हुआ है विक्टाइल और ऑप्शन डी लिखा हुआ है नाइलॉन। ठीक है, तो नाइलॉन वगैरह ये सारे सिंथेटिक है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो प्लेन कैटगट है, ये प्लेन कैटगट क्या है कि शिप से बनाया जाता है। ठीक है, शिप की इंटेस्टाइन से लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, 80 to 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि ये रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? सबसे पहले जो आपने बता दूं मैं कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्लेन कैटगट। क्रोमिक के अंदर क्या है? क्रोमिक कैटगट सेम प्लेन जैसा ही होता है, लेकिन क्रोमिक के अंदर कुछ कुछ मिलाया जाता है, सिंथेटिक कुछ मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि क्रोमिक के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं या फिर टिश्यू रिएक्शन के चांस कम हो जाते हैं। जो प्लेन होता है वो प्लेन डायरेक्ट शिप की इंटेस्टाइन से डायरेक्ट ले जाता है, उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाइड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए प्लेन कैटगट के अंदर टिश्यू रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ओके, टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस। इनमें से जो टिटेनी होता है वो इनमें से कौन से इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टरबेंस से होता है? हाइपोकैल्शियम में, हाइपर मैग्नीशियम में, हाइपोनेट्री में, हाइपरकैलेमिया। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा, टिटेनी होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम अगर कम हो गया तो ठीक है, तो क्या होगा? टिटेनी होगा। ठीक है, आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा राइट है? आंसर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्क लाइक फेस इज टिपिकल फीचर ऑफ। मास्क लाइक फेस किसके अंदर देखने को मिलता है? मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है आपको पार्किंसन डिजीज के अंदर, जो कि मैंने जो पिछली अपनी जो क्लास गई उसके अंदर मैंने आपको बताया था। इसका जो पार्किंसन के जितने भी जो सिम्टम्स होते हैं, ट्रेमर लाइक, जो मतलब रेस्टिंग ट्रेमर हो गए, हैंड के अंदर ऐसे हाथ हमेशा हिलता रहता है, ठीक है, तो पोस्चर होता है उसके अंदर चेंज आते हैं। ठीक है, तो उस क्लास को देखिए आप, उसके अंदर आप सबको सारी चीज मैंने समझा दी है पार्किंसन के बारे में। ठीक है, तो मास्क लाइक जो फेस होता है वो किस में देखने को मिलता है आपको? वो देखने को मिलता है सी, ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी में देखने को नहीं मिलता, वो किस में देखने को मिलता है आपको? पार्किंसन डिजीज के अंदर वो देखने को मिलता है। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपके डाले हुए हैं तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से डाले हुए हैं कहीं से कि भाई जितने भी पीछे पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और ज्यादातर ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए हैं, उनको उठाया मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन मोस्ट एबोडेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर कौन सा आयन? ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी ये हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर कि इसने एनायन एनायन और कैटायन के बारे में नहीं बोला। ठीक है, अगर मान लो कैटायन बोलता है तो भी चलो कोई नहीं, लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं बोला तो ये बोल रहा है एक्स्ट्रा के अंदर, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इंट्रा के अंदर क्या है? पोटेशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, और एक्स्ट्रा के अंदर एनायन कौन सा होता है? क्लोराइड पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सोडियम क्या है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर ज्यादा पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है मेजोरिटी ऑफ केस ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फर्स्ट अकर ड्यूरिंग। ओके, ये बोला मेजोरिटी ऑफ केस ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फर्स्ट अकर ड्यूरिंग, मतलब कब जो ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन याद रखना, तो एचआईवी फर्स्ट का कब हो सकता है इस कंडीशन में, तो एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम पीरियड और ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो याद रखना कि एंड पार्टम में होने का चांस नहीं रहता, पोस्ट पार्टम में कोई जरूरी नहीं है क्योंकि पोस्ट पार्टम में तो सारी चीजें बाहर निकल जाती है तो उसमें होने के चांस कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से, जैसे कि अपने इंडिया की गाइडलाइन मानती है कि ब्रेस्ट फीडिंग से एचआईवी होने का मतलब चांस ज्यादा रहते हैं, लेकिन जो अदर आउट ऑफ इंडिया जो है वहां पे एचआईवी ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं फैला जाता, ठीक है, बोलते हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, एंड पार्टम, ठीक है, सॉरी, इसका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंट्रापार्टम होता है, उसके अंदर जो एचआईवी ट्रांसमिशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, कब, इंट्रापार्टम, जब वो जो प्रोसेस चल रही है डिलीवरी की, ठीक है, उस टाइम बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं किसके, एचआईवी के, याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, 5 स्टार, ठीक है, क्या लगा लीजिए इसके, इसको लगा लीजिए 5 स्टार आप। तो ना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ आप देखिए अपनी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, गुलेनियन-बर सिंड्रोम इज डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, गुलेनियन-बर सिंड्रोम इनमें से कौन सी डिजीज पाया जाता है, मतलब गुलेनियन-बर जो सिंड्रोम होता है वो क्या करता है, मेनली क्या होता है, गुलेनियन-बर सिंड्रोम क्या होता है, जो सॉरी गुलेनियन-बर जो सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल नर्व जो एंडिंग होती है, ठीक है, उसकी ये क्या है, डिजीज है, ठीक है, और ये क्या हो जाती है, यहाँ पर डैमेज हो जाती है, ये इनकी कार्यक्षमता डिक्रीज हो जाती है, क्या कर ये, और या फिर ये क्या होती है, खराब हो जाती है कंप्लीट, ठीक है, ठीक है, या फिर इनके अंदर इन्फ्लामेटरी कोई भी रेस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो गुलेनियन-बर सिंड्रोम के अंदर क्या है, पेरिफेरल जो नर्व एंडिंग होती है उनके अंदर ये देखने को मिलती है अपन को। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी गुलेनियन-बर सिंड्रोम है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से क्या करती है गुलेनियन-बर सिंड्रोम, किसमें देखने को मिलती है। तो ये डायरेक्ट अब मैंने आपको समझा दिया है गुलेनियन-बर का अर्थ क्या होता है, तो ये देखने को मिलती है पेरिफेरल नर्व के अंदर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आंसर तो नहीं बताऊं, क्वेश्चन को तो नहीं बोल रहा मैं, जो गुलेनियन-बर है ना सिंड्रोम, इसको स्टार दे देना, ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज्ड, ये बोल रहा है हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है तो इनमें से कौन सी चीज बढ़ेगी। देखो होता क्या है कि हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या करती है, उसके जितने भी जो हार्मोन है उनका सीक्रेशन क्या करती है, वो कम कर देती है। लेकिन क्वेश्चन ऊपर को पूछ रहा है कि हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर क्या होता है, कि क्या चीज बढ़ती है, बढ़ रही है पूछ रहा है। तो क्या होता है, जो अपना हाइपोथैलेमस होता है, सॉरी ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है उसको, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये चीजें बढ़ रही है, मतलब कम हो रही है, कौन सी, T3 और T4, ठीक है। तो क्या होता है कि जब T3 T4 कम हो रहा है तो हाइपोथैलेमस बोलेगा भाई कि कम हो रहा है तो मतलब इसको स्टिमुलेट, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए मैं कोई हार्मोन भेजता हूँ, तो वो भेजता है TSH, कौन सा भेजता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, जाके जो थायराइड ग्लैंड है उसको क्या स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम्हारे T3 T4 कम हो रहे हैं तो इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो लेकिन होता क्या, जो T3 T4 है, ठीक है, इसका सीक्रेशन क्या होता है, या तो कम हो जाता है, ठीक है, या क्या होता है, ये एब्जॉर्ब नहीं, जिसके रिसेप्टर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी वजह से ये हो सकता है। तो जो T3 T4 है, ठीक है,
वो तो डिक्रीज है, लेकिन हाइपोथैलेमस कंटिन्यूअसली क्या करता है, वो भेजता रहता है, कौन, टीएसएच भेजता रहता है। तो क्या होता है कि टीएसएच का जो लेवल है वो तो बढ़ जाता है, और T3 और T4 का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर कुछ फंक्शनली कुछ मिस्टेक हो गई, तो T3 T4 कम हो गए, ठीक है, और ये जो TSH है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन केस ऑफ हाइपोथायरायडिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज, ठीक है, तो इनमें से हाइपोथायरायडिज्म कंडीशन में क्या चीज बढ़ जाती है। तो आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर होगा TSH। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए मेजर प्रायर टू नर्सिंग केयर ऑफ चाइल्ड सस्पेक्ट ऑफ हैविंग मेनिनजाइटिस इज, तो बोल रहा है कि मेजर प्रायर टू नर्सिंग क्या होगी, अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपनी एज ए नर्स, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग स्टाफ स्टाफ बन जाते हो, ठीक है, तो आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, किसके अंदर, मेनिनजाइटिस के अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है मेनिनजाइटिस के अंदर आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, ये चीज ध्यान रखना है। तो मेनिनजाइटिस है एक प्रायोरिटी है, अगर चाइल्ड को सस्पेक्ट है, चाइल्ड बच्चा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं अपन, चेक द टेम्परेचर एंड गिव द कोल्ड स्पंजिंग, आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली, एडमिनिस्ट द एंटीबायोटिक एज सून एज इट इज ऑर्डर्ड, और रिस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। ध्यान रखना, कभी भी चाइल्ड को रिस्ट्रेन नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट रिस्ट्रेन करने के बाद एक्सीडेंट ज्यादा होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रेन मेनिनजाइटिस के अंदर कभी नहीं किया जाता, ठीक है। एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक एज सून एज इट इज ऑर्डर, ठीक है, ये बात अपन मान लेते हैं कि एज सून एज ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन ये बोला कि मेजर प्रायोरिटी क्या है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर ऑप्शन है चेक द टेम्परेचर, तो मेनिनजाइटिस इंफ्लामेशन होता है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कोल्ड स्पंजिंग उसके अंदर काम आएगी, क्योंकि मेनिनजाइटिस क्या है, मेनिनजाइटिस क्या है कि अगर ड्रॉपलेट या, ठीक है, उसके माध्यम से ड्रॉपलेट या एयरबोन की वजह से क्या है कि वो फैल सकती है किसी और पेशेंट के अंदर, इन्फ्लाम कर सकता है मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो आइसोलेट द चाइल्ड इमीडिएटली, जो पेशेंट है उसको क्या करना है, अपन को आइसोलेट करना है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, बी, और याद रखना इसको भी लगा लो आप स्टार में, कितने स्टार हो गए इस पे, स्टार हो गए, सॉरी इस पे स्टार हो गए 1 2 3 4 और 5, ये क्या है, 5 स्टार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जितने ही मैं स्टार लगा रहा हूं उन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, द चाइल्ड एपिकल पल्स इज ऑलवेज चेक्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिजॉक्सिन, द ड्रग इज नॉट गिवन इफ द पल्स रेट इज, क्या करती है डिजॉक्सिन, ठीक है, डिजॉक्सिन क्या करती है, जो अपनी हार्ट रेट है उसको थोड़ा बढ़ा देती है, ठीक है, लेकिन अगर जो हार्ट रेट अगर पहले से कम है, ठीक है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी एकदम से बढ़ेगी हार्ट की, ठीक है, जितना वो मतलब कम काम कर रहा है तो उसको एकदम से बढ़ाएंगे तो क्या है, हार्ट फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो डिजॉक्सिन है, ठीक है, उसको अपन को कब नहीं देनी चाहिए, जब हार्ट हार्ट जब ब्रेडी कार्डिया हो, ब्रेडी कार्डिया कंडीशन में अपन डिजॉक्सिन नहीं देंगे, क्योंकि ब्रेडी कार्डिया कितनी होती है, नॉर्मल कितनी होती है, 100 से लेके 100, 60 से लेके 100, अगर 60 से कम है, ठीक है, तो उसको अपन ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 60 से कम, इसके अंदर देख लो आप आंसर कहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 60, अगर लेस देन किसी की 60 बीट पर मिनट है हार्ट रेट, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसको नहीं देंगे। तो आंसर क्या हुआ, बाकी देखो 90 से 110 बीट, 90 से 110, मोर देन 50, इन बाकी सब में दे सकते हैं अपन, लेकिन 60 से कम है उसके अंदर नहीं देंगे, आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू, ठीक है, ये बोल रहा है कि एडिमा हो रखा है बॉडी के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, तो इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन अपना क्या होगा, ठीक है, प्रोवाइड मेटुकुलोसिस स्किन केयर, इंक्रेज फ्लूड इंटेक, इंक्रेज मॉडरेट एक्टिविटी, वेयर द चाइल्ड एवरी अल्टरनेट डे, ठीक है। तो ऑप्शन वेयर द चाइल्ड एवरी अल्टरनेट डे, ठीक है, ये अपन को सही लग रहा है, लेकिन जो इंटरवेंशन है वो अपन को करना है इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, ठीक है, चाइल्ड का वेल्ट अल्टरनेट डे नहीं करना, रोज वेट उसका अपन को देखना है। इंक्रेज मॉडरेट एक्टिविटी, ठीक है, तो मॉडरेट एक्टिविटी अपन उसको इंक्रेज नहीं कराएंगे, ठीक
ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा इंक्रीज फ्लूड इंटेक, ठीक है। फ्लूड इंटेक नहीं देंगे क्योंकि पहले से ही क्या है एडिमा हो रखा है, तो फ्लूड इंटेक रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइड मेटिकुलोसिस स्किन केयर, जब एडिमा होता है तो स्किन है वो क्या होती है फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं बेड शोर होने के चांस, बेड शोर होने के चांस क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस चीज को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको क्या देंगे प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर देंगे, क्या देंगे अपन उसको स्किन केयर देंगे कि भाई एडिमा हो रखा है बॉडी के अंदर तो क्या है कि भाई उसको क्या हो बेड शोर जल्दी से जल्दी ना हो, तो उसको अपन क्या देंगे स्किन केयर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, उसको स्किन केयर अपन प्रोवाइड करवाएंगे। तो जितने भी अपने दोस्त है सारे के सारे, ठीक है, उनको सभी को शेयर कर दीजिए और अपने इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो वीडियो क्लास है, ठीक है, इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत समझ लेना, सोच समझ के बनाए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आने के चांसेस के रहते हैं। और अनचम के लिए मैं जितने भी क्वेश्चन के अंदर स्टार लगा रहा हूँ उन टॉपिक से 101% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये 101% क्वेश्चन आएंगे उनसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिनके अंदर मैंने स्टार लगाया है उनको जरूर एक बार पढ़ जाना। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट सफरिंग विद एक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन रिवील्स, ये बोल रहा है इनिशियल असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट करना है भाई, असेसमेंट करना है किसका, असेसमेंट करना है, असेसमेंट करना, देख रेख करनी है किसी पेशेंट की, कौन है इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर देख रेख करनी है विद एक्यूट डायरिया, जिसको क्या हो रखा है एक्यूट डायरिया हो रखा है, एक्यूट डायरिया मतलब बस रुक ही नहीं रहा, ठीक है, एंड डिहाइड्रेशन, और डायरिया की वजह से क्या हो चुका है डिहाइड्रेशन हो चुका है, मतलब डायरिया हो रहा है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो डिहाइड्रेशन हो गया तो इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ठीक है, तो हेमेटोक्रिट जो लेवल है वो बढ़ जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन के अंदर क्या हेमेटोक्रिट बढ़ जाता है, ठीक है। बल्जिंग फोंटेनल, बल्जिंग फोंटेनल नहीं होगा क्योंकि डायरिया के अंदर नहीं होता डिहाइड्रेशन, ये जो बल्जिंग फोंटेनल ये हाइपरवोलेमिया के अंदर होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। वेट गेन भी नहीं होगा क्योंकि पानी कम हो रहा है तो वेट कम होगा, ठीक है, हेमेटोक्रिट भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, स्किन ट्रगर उसकी चेक करेंगे, इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा, स्किन जो ट्रगर है उसको अपन चेक करेंगे, उससे उसी टाइम पता लग जाएगा कि अपन को क्या हो रखा है, उसको क्या हो रखा है डिहाइड्रेशन हो रखा है और सीवियर है मॉडरेट है माइल्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया ए, आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर हो गया स्किन ट्रगर, ठीक है, याद रख लेना डिहाइड्रेशन और डायरिया और ORS, ये तीन चीजें बता रहा हूं, ठीक है, डिहाइड्रेशन डायरिया और कौन है ORS, 100% एक दो क्वेश्चन आएंगे, लिख के ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक ऑफ कैंसर ऑफ लैरिंग्स, किसी को पेशेंट को क्या है रेडिएशन चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी चल रही है किसी पेशेंट को, ठीक है, वो भी कौन सी है एक्सटर्नल वाली है, एक्सटर्नल वाली है मतलब ब्रैकीथेरेपी है, ब्रैकीथेरेपी चल रही है, अब ब्रैकीथेरेपी चल रही है, ठीक है, तो ब्रैकीथेरेपी चल रही है रेडिएशन, सॉरी ब्रैकी नहीं है, टेलीथेरेपी है, सॉरी, ठीक है, ब्रैकी नहीं है टेलीथेरेपी है, ठीक है, टेलीथेरेपी उसको चल रही है पेशेंट को, और वो भी कहां पे नेक के रीजन पे, तब नेक के रीजन पे थेरेपी चल रही है तो अंदर के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर डिस्टरबेंस होगा। तो इसके अंदर लिखा था मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक ऑफ कैंसर ऑफ लैरिंग्स, तो कॉन्स्टिपेशन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि नेक के अंदर वाली रीजन पे होगा, डिस्निया ओके मान सकते हैं, लेकिन ये यहां पे सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा, शोर जो अपना थ्रोट है उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है, डिस्निया इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, डायरिया कोई मायने रखता तो सॉर थ्रोट इसके अंदर होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्या होने के चांस बढ़ जाएंगे, इसके अंदर क्या होगा सॉर थ्रोट होने के चांस बढ़ जाएंगे। आंसर क्या है इसका, सी आंसर है, ठीक है, याद रखना इसका आंसर क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है When the respiratory rate of 12 month old child is 35 beat per minute, the most appropriate nursing action. Okay,
एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक न्यून एक बच्चा है जिस जो कितना महीने का है, 12 महीने का है, ठीक है, कितने महीने का है? ठीक है, कितने महीने का है? एक सेकंड, है ना, ठीक है, कितने महीने का है? 12 महीने का, बोले तो 1 ईयर का एक बच्चा है, जिसको क्या बच्चा है, तो उसको 1 साल वाले बच्चे को क्या हो रखा है, उसको 35 बीट पर मिनट क्या जा रही है, इसकी रेस्पिरेटरी रेट है, तो 35 बीट पर मिनट अगर 1 साल का बच्चा है तो ये बीट पर मिनट क्या जाएगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ठीक है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, रीअसेस रेस्पिरेटरी इन 15 मिनट, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, एडमिट ऑक्सीजन और नोटिफाई द फिजिशियन, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, व्हेन द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 मंथ और 40 35 बीट पर मिनट, ठीक है, तो क्या होता है कि 12 मंथ का अगर बच्चा है तो 35 बीट जो रेस्पायर रेट है ये एकदम सही है, कोई इसमें डाउट वाले, नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई फिजिशियन को अपन नोटिफाई नहीं करेंगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इसकी कोई जरूरत नहीं है, रीअसेस रेस्पायर रेट इन 15 मिनट, ओके कर सकते हैं लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्या करेंगे ये जो डाटा है इसको क्या करेंगे अपन, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, जो फाइंडिंग है इसको अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं आपको कि अब स्टार्ट हो चुका है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल्स। आप सोच रहे होंगे एमएसएन इतने में कहाँ खत्म हो गई, तो मैं बता दूं आपको कि मैंने 2 क्लास और पीछे ली है, इसके अंदर वही क्लास डाली, उसी क्लास को देखते हुए डाली है, जो मैंने रिपीट क्वेश्चन नहीं किए, और जो बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 क्लास के अंदर पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो इस जो क्लास है इसको अपन अलग से, मतलब अलग क्वेश्चन है सबसे, ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो अब अपन पढ़ेंगे मिडवाइफरी के बारे में, तो अगली अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी का। तो पहला ऑप्शन है द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग मैटरनल साइकिल। तो जब मैटरनल साइकिल होती है, ठीक है, जब मैटरनल साइकिल है, मैटरनल साइकिल के दौरान इनमें, तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो लिखा हुआ है कि द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल, क्या लिखा हुआ है कि जब डायबिटीज होती है, ठीक है, डायबिटीज में क्या है, मैटरनिटी साइकिल, जब क्या होता है कि मैटरनिटी डायबिटीज मदर को अगर डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होता है, कौन सा टाइम क्या होता है डिफिकल्ट होता है कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकते अपन, तो इसमें लिखा हुआ ऑप्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर, लेसर नहीं है यहाँ पर, लास्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, ये ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर, लेबर एंड डिलीवरी और पार्क्यूरियम, ठीक है, तो अब होता क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन जो डायबिटीज है कंट्रोल कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है, और पर्क्यूरियम के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन जो लेबर का जो पीरियड होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे दूसरी अदर चीजें होने लगती है, तो उस कंडीशन के चक्कर में अपन क्या है कि अपन वो नहीं कर सकते, क्या डायबिटीज को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सी, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सी, तो देखते रहिए अच्छे से, और मैं सभी से यही कहूंगा कि आगे अपने जितने भी दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द हजार्ड्स ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ पिटोसिन, ठीक है, पिटोसिन क्या होता है, सबसे पहली बात आती है ये बंदा क्या है, ये कौन सी पिटोसिन, अब पिटोसिन का अदर नेम क्या है, पिटोसिन का अदर नेम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नाम है इसका, करवाता क्या है, इसका काम क्या होता है, ये करवाता है कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन किसका करवाता है, ये करवाता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और ऑक्सीटोसिन को कब देते हैं,
जब अगर कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन अगर वीक कंडीशन में पाए जाते हैं, अच्छे से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, तो अपन कौन सी ड्रग देते हैं? ऑक्सीटोसिन ड्रग देते हैं। ऑक्सीटोसिन की मैंने वैसे क्लास एक ले रखी है, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो पिटोसिन के अंदर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द हजार्ड्स, हजार्ड्स मतलब ऐसी कौन सा, मतलब हजार से हजार मतलब बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, मतलब जिसमें इमरजेंसी क्या बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है। तो पिटोसिन का ऐसा कौन, तो मान लो अगर अपन किसी को ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन किसी को एडमिट कर रहे हैं, मान लो ऑक्सीटोसिन की डोज अपन ने बहुत ज्यादा दे दी, तो होगा क्या कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन में एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, नहीं, एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन इन्फेक्शन के चांस अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहे थे इनके, इसके बाद में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो यूट्रस है, ठीक है, वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि वो रप्चर होने की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, वो रप्चर होने हो सकता है, ठीक है। और अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अपन को मेम्ब्रेन अर्ली रप्चर करवानी है, ठीक है, रप्चर तो अपन को करवानी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हजार्ड्स पूछा है, मतलब बहुत इमरजेंसी काम, मतलब जो बहुत नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो वो वैसे कौन सा सबसे ज्यादा इंडक्शन है, ठीक है, तो वो कौन सा है, रप्चर ऑफ यूट्रस, जो क्या करता है, कौन करता है ये, ठीक है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है पिटोसिन। पिटोसिन मतलब ऑक्सीटोसिन की अगर डोज आपने ज्यादा दे दी तो वो रप्चर यूट्रस को रप्चर करवा सकता है, ये बहुत ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है, तो ये एक तरीके से खतरे का काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, तब तक आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए और अपने भाई का साथ जो है वो बनाए रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम पीरियड, ठीक है, पीपीएच पूछा है इसके अंदर, ठीक है, क्या पूछा है, पीपीएच पूछा है कि 24 घंटे, अब ब्लीडिंग आफ्टर 24, आफ्टर 24 आवर्स डिलीवरी, अगर डिलीवरी के 24 घंटे बाद जो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसको पीपीएच अपन कब बोलेंगे। मेन काम ये कि पीपीएच अपन कब, कितना अमाउंट ब्लड अगर लॉस हुआ तो अपन उसको पीपीएच बोलेंगे। तो मेनली मैं बता दूं कि पीपीएच के अंदर पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, उसके अंदर 24 घंटे के बाद अगर ब्लड 500 ml से अगर ज्यादा, ठीक है, 500 ml से ज्यादा, यार 500 ml से ज्यादा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पीपीएच बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखो, वैन ऑप्शन डी देखना है, अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं, वैन ब्लड लॉस मोर देन 200 ml, नहीं, ये अगर नॉर्मली 500 ml होता है, लेकिन 500 ml से अगर ज्यादा हो गया तो उसको पीपीएच बोलते हैं, ठीक है। वैन ब्लड इज मोर देन 100 ml, 100 ml तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है, ब्लड वैलेंस मोर देन 700 ml, ठीक है, ठीक है, इसको नहीं बोलते, क्योंकि मोर देन भाई 500 से ज्यादा हो उसको बोलते हैं, 700 बोल सकते, 700 बोलते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि नीचे वाली रेंज कौन सी, ठीक है, तो नीचे वाली रेंज जो वैन ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml, जब 500 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं, जब 500 ml से ब्लड ज्यादा बह जाता है बाहर की तरफ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस, ऐसा पेल्विस, ठीक है, पेल्विस क्या होता है, पेल्विस पेल्विस क्या होता है, पेल्विस जहां से बेबी बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, बेबी क्या होता है, डिलीवर होता है, जहां से बेबी पास आउट होता है, जहां से बेबी का जो पास आउट होने का जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पेल्विस बोलते हैं। अब इनमें से मोस्ट कॉमन आइडियल पे, आइडियल मतलब बहुत अच्छा पेल्विस जिसके अंदर बेबी आराम से पास आउट हो सकता है, जो फेवरेबल हो, जो डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा हो, तो वो जो फेवरेबल होता है वो मेनली फीमेल के अंदर पाया जाता है, जो फीमेल होती है 90% फीमेल के अंदर वो पाया जाता है, और उस पेल्विस का नाम होता है गाइनेकोइड पेल्विस, कौन सा होता है, गाइनेकोइड पेल्विस होता है। एंड्रॉयड जो पेल्विस होता है, ठीक है, एंड्रॉयड जो पेल्विस होता है, एंड्रॉयड जो मोबाइल ऐप जो मोबाइल है वो मोबाइल वाला नहीं है ये, एंड्रॉयड क्या होता है, एक तरीका पेल्विस होता है, जो मोस्ट कॉमन किसमें पाया जाता है, मोस्ट कॉमन पाया जाता है मेल के अंदर, ठीक है। तो बाकी ये पैलेटिपोलॉयड किसमें पाया जाता है, पैलेटिपोलॉयड अगर थिन कोई फीमेल है थिन के अंदर पाया जाता है, और ये एंथ्रोपोइड किसके अंदर, हाइट शॉर्ट हो, जिन वुमेन्स की हाइट शॉर्ट हो उनके अंदर कौन सा पाया जाता है, एंथ्रोपोइड, ये पेल्विस पाया जाता है, ठीक है, और मोस्ट फेवरेबल कौन सा है, गायनेकोइड पेल्विस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेनार्की, ओके मेनार्की पूछा है, मेनार्की MANARCH, मेनार्की क्या होता है, मेनार्की क्या होता है, जब कोई गर्ल्स, ठीक है, जब कोई गर्ल्स 13 से लेके
11 से लेकर 14 साल की उम्र में आती है, ठीक है, ये रेंज है, रेंज बता रहा हूँ, ठीक है, रेंज का ध्यान, ठीक है, 11 से लेकर 14 ईयर की एज में आती है, तो उस टाइम क्या होता है, उसके वेजाइना से ब्लड लॉस होता है, उसके वेजाइना से ब्लड लॉस होता है, जिसको अपन अपनी भाषा में मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो इसका चक्कर कितने 28 दिन का एक साइकिल होता है, साइकिल होता है कितने दिन का, 28 दिन का एक साइकिल होता है, ठीक है। अब ये जो साइकिल है, अब मैंने मेनार्की में ये ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से जोड़ दिया, ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब किसी लड़की का फर्स्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट फर्स्ट ब्लड लॉस होता है, इस एवज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के तात्पर्य में, तो उसको क्या बोला जाता है, मेनार्की बोला जाता है, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब किसी लड़की का आता है या किसी गर्ल्स का आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, एक गर्ल इज फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, आंसर अपन को यही मिल गया है, फिर भी ऑप्शन बी पढ़ लेता, फर्स्ट ईयर ऑफ मेंस्ट्रुअल व्हिच यूजुअली अकर्स विदाउट ओव्यूलेशन, ओके, ये गलत आंसर है, क्योंकि अपन ने बात किया ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, आंसर गलत है। द एंटायर स्पान ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, इसको नहीं बोलते, ठीक है, इसको भी नहीं बोलते। द ऑनसेट ऑफ यूटराइन मैच्यूरेशन, ठीक है, इसको भी नहीं बोलते, यूटराइन मैच्योरेशन हो या नहीं हो, लेकिन अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ गया, ठीक है, 11 से लेकर 14 साल तक, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेनार्की। तो आंसर विल बी, आंसर इसका क्या है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, ए इसको राइट कर दिए, मेनार्की उसको बोलते हैं जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन किसी गर्ल्स का आता है। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज कम एज, मतलब जब अभी मैंने पढ़ा कि मेनार्की जो होती है, मेनार्की होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इसको बोलते हैं मेनार्की, जब ये लेकिन ये बोल रहा है कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, मतलब जो पेन हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल आते टाइम, ठीक है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस जो टर्म दी गई है, उस जो अर्थ दिया गया है, उस जो टर्म दी गई है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म को क्या बोलते हैं, डिसमेनोरिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया क्या बोलते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्या बोलते हैं, डिसमेनोरिया, डिस आ गया, डिस मतलब जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन था उसको क्या बोलते हैं, डिसएमनोरिया बोलते हैं, ठीक है, एमनोरिया किसको बोलते हैं, एमनोरिया, एमनोरिया बोलते हैं सेंस, एब्सेंस मतलब बिल्कुल 28 दिन के, 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, अगर बीच में कहीं क्या होता है, रुकावटें आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एमनोरिया बोलते हैं। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इससे कुछ संबंधित नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मेनोरेजिया क्या है, ठीक है, मेनोरेजिया, ठीक है, मेनोरेजिया किसको बोलते हैं, मेनोरेजिया क्या होता है, मेनोरेजिया के बारे में समझेंगे सारे के सारे, मिल गए साथी, मेनोरेजिया क्या होता है, हेवी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ऐसे हेवी ब्लीडिंग होती है, और हेवी ब्लीडिंग कब होती है, कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड चलता है और हेवी ब्लीडिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया बोलते हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इन विच, इन फॉलोइंग विच इज द मेन कॉज ऑफ पीआईडी, ओके, पीआईडी क्या होता है, पेल्विक, पेल्विक इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को बोलते हैं पीआईडी। अब ये बोल रहा है इन विच इज द मेन कॉज, मतलब मेनली कॉज कौन सा, मतलब ऐसा कौन सा पीआईडी के अंदर ऐसा कुछ क्या होता है कि मेनली क्या करता है, इसको होने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित मतलब इसको कॉज करता है, कॉज कौन करता है पीआईडी को, पीआईडी क्या होता है, पेल्विक के अंदर इंफ्लामेशन डिजीज हो जाती है, तो प्लीज प्लीज जो पीआईडी होती है वो मेनली किसके थ्रू होती है, ठीक है, पीआईडी किसके थ्रू होती है, अबाउट एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, तो पीआईडी का मेन कॉज क्या है, पीआईडी का मेन कॉज क्या होता है, कि पीआईडी का मेन कॉज क्या है, इसका पीआईडी का मेन कॉज क्या है, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों है, इसका रीजन अब रीजन आप सुनिएगा आप, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो बच्चा है जहाँ पे उसको इम्प्लांट होना है वहां नहीं होके कहीं और हो जाता है, ठीक है, अदर साइड के अंदर हो जाता है, कहाँ हो जाता है, अदर साइड के अंदर, और वहां क्या करता है वो वहां पे ग्रोथ करता रहता है और वहां पे इन्फ्लामेशन होने के इन्फ्लामेशन करने के चांस इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए उसका मेन कॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी को माना गया है। जबकि प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्टो प्लेसेंटा दोनों क्या है कि एंटीनेटल एपीएच है, एपीएच है, दोनों क्या है एपीएच है और पीपीएच इसका आंसर नहीं है। तो जो पीआईडी का मेन कॉज है वो कौन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप मैं बता दूं कि आपकी जो ओबीजी है, ठीक है, उसके मैंने क्वेश्चन समथिंग करवा दिए हैं। अब आती है आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और ज्यादातर जो कम्युनिटी हेल्थ के नर्सिंग के जो पेपर थे, ठीक है, जो क्वेश्चन थे मैंने पिछली क्लास में, जितनी पिछली क्लास हुई है दो क्लास है, मैंने कहा था तीन क्लास के अंदर बता दूंगा, तो मैंने वैसे करवा दिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक क्वेश्चन और हैं जिनको लेके आया हूँ, ठीक है। तो कम्युनिटी क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, सीएचओ के अंदर कम्युनिटी का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो कम्युनिटी क्वेश्चन को देखते हुए पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि इन अ पेशेंट ऑफ फीवर, अगर कोई पेशेंट फीवर के अंदर है, फास्टिजियम टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज टर्म गिवन, ठीक है, मतलब फास्टिजियम अगर कोई फीवर के अंदर है तो फास्टिजियम, फीवर के अंदर कोई पेशेंट तो फास्टिजियम का अर्थ क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि फास्टिजियम किसको बोलते हैं, जो ये वर्ड है आपको दिख रहा है ये वर्ड क्या, वो क्या है ये फास्टिजियम, फास्टिजियम का अर्थ क्या होता है ये, ठीक है, ये टर्म पूछा है फास्टिजियम का अर्थ क्या होता है। तो मेनली मैं बता दूं आपको, फास्टिजियम होती है, ठीक है, फास्टिजियम में क्या होता है, जब भी कोई इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन के कारण जो फीवर आ रहा है, ठीक है, अब जो फीवर का जो पीक पॉइंट होता है, पीक बोले तो हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट बोले तो सबसे ऊपर, ऊपर मतलब सबसे ऊपर, उससे ऊपर अब फीवर का लेवल नहीं जाएगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या बोलते हैं, फास्टिजियम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, ऑनसेट ऑफ फीवर, ये बोल रहा है कि जब फीवर की ऑनसेट है उस टाइम उसको अपन बोलेंगे कि फास्टियम, इसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है व्हेन बॉडी टेम्परेचर है रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, और ऑप्शन सी है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज सडनली रिटर्निंग टू नॉर्मल, ठीक है। तो फास्टिजियम का अर्थ क्या हो गया, फास्टिजियम का अर्थ ये है कि जब भी अपना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट, तो उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फास्टिजियम होते हैं। तो इसका आंसर सीधा सीधा बी जाता है, इसमें लिखा है व्हेन बॉडी टेम्परेचर रीचेज इट्स मैक्सिमम, व्हेन बॉडी टेम्परेचर रीचेज इट्स मैक्सिमम, ठीक है, एंड रिमेन कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर उसको क्या बोलते हैं, फास्टिजियम। तो फास्टिजियम का आंसर पता पड़ गया आपको, बी ए। और अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है न्यू टी स्टॉप टीवी स्टडी, मतलब क्या है कि जो न्यू अपन को स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है, कौन सी स्ट्रेटजी बनाई है, टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को, ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए, ठीक है, किसका करने के लिए, रोकने के लिए न्यू स्ट्रेटजी बनाई है ये गवर्नमेंट ने, तो उसको क्या बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी कौन सी है, यहाँ पे आप कॉमा लगा लेना, ठीक है, न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी कौन सी है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब मेनली चीज एक क्वेश्चन आता है कि जो टीबी है, ठीक है, टीबी क्या है कि एयरबोर्न है, ड्रॉपलेट है, ठीक है, या कॉन्टैक्ट डिजीज है, ठीक है। तो टीबी कौन सी डिजीज है, ज्यादातर क्या होता है इसके अंदर कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बता दूं टीबी को हमेशा एयरबोर्न डिजीज के अंदर डाला गया है। ये एक डिजीज टीबी जो है, टीबी में क्या है कि टीबी को कभी भी ड्रॉपलेट नहीं माना, याद रखना टीबी को ड्रॉपलेट, इसके अंदर एयरबोर्न प्रिकॉशन काम में लिए जाएंगे, एयरबोर्न प्रिकॉशन काम में लिए जाएंगे टीबी के अंदर। अब ये बोल रहा है न्यू टीबी, अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिख रहा है कि न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी कौन सी है। तो अभी जो रिसेंटली जो चल रही है, ठीक है, उसके अंदर
कौन सी है? एक्सटेंसिव बीसीजी वैक्सीन नहीं है, ये जो बहुत मतलब स्टार्टिंग से एट बर्थ बीसीजी लगाई जाती है, ठीक है, इंटरनल में, ये न्यू स्ट्रेटजी नहीं है। डिटेक्टिंग टीबी कैरियर ये भी नहीं है। सर्वे फॉर नंबर ऑफ टीबी डेथ नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो न्यू स्ट्रेटजी भी जो चालू की है उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉट्स, DOTS, ठीक है, डॉट्स है। अब डॉट्स की फुल फॉर्म क्या आती है? डायरेक्ट, ठीक है, ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्टकट। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट सामने बैठ रहा था, ठीक है, पेशेंट को ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसको मेडिसिन दी जाती है। तो उस स्ट्रेटजी क्या बोला है? डॉट्स स्ट्रेटजी बोला है। और ये डॉट्स स्ट्रेटजी कब आई थी? ये आई थी RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1997 के अंदर डॉट्स को भी RNTCP के साथ लेके आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन को क्या कहता है? ये टीबी का इस क्वेश्चन को ये डॉट्स जो थेरेपी मैंने बताई है, ठीक है, ये डॉट्स जो थेरेपी बताई है डॉट्स, ठीक है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। डॉट्स को क्या करना है? स्टार लगा लेना है। और इससे क्वेश्चन आएगा, और मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि जो डॉट्स थेरेपी होती है, ठीक है, डॉट्स थेरेपी जो स्टार्टिंग पेशेंट है, ठीक है, डॉट्स थेरेपी कब तक दी जाती है, ठीक है। इसके अंदर भी एक होता है रेड कलर, ठीक है, एक होता है ब्लू कलर, ठीक है। तो डॉट्स थेरेपी कब तक दी जाती है? मेनली डॉट्स थेरेपी 6 मंथ तक दी जाती है, अगर पहले का पेशेंट कोई कम्युनिकेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर कैटेगरी वाइज, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 6 मंथ, ठीक है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी के अंदर 18 से 24 मंथ, ठीक है, और इसके अंदर 8 मंथ, सेकेंड कैटेगरी के अंदर 8 मंथ, ठीक है, 8 से 12 चल सकती है, और मेनली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 6 मंथ चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, ओके, बीसीजी वैक्सीन जो होती है, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन वो किस टाइप की है? बीसीजी वैक्सीन का क्या पूछा है? टाइप पूछा है। तो मेनली सभी को पता है कि बीसीजी वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है? बीसीजी है लाइव वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी कौन सी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है, ठीक है। बीसीजी कौन सी वैक्सीन है? लाइव। आंसर क्या है इसका? आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। आंसर क्या है इसका? लाइव वैक्सीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेटजी ऑफ रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प टू हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेटजी होती है जो रूरल हेल्थ मिशन की, ठीक है, वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की, तो वो क्या हेल्प करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग से किनको हेल्प करती है? एनहेंस, ठीक है, एनहेंस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रिड्यूस MMR मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, और स्ट्रेंथन सब सेंटर, और ऑल ऑफ द अबव। तो जो RUHS है, ठीक है, NRHM, जो NRHM है, ठीक है, कब आया था ये? बारह मई 2005 को। अभी बोल रहा है स्ट्रेटजी क्या है इसकी? स्ट्रेटजी मतलब क्या होगा कि मतलब ये क्या, किस चीज पे, मतलब किसको फॉलोइंग करता है, किसको हेल्प करता है? तो लिखा हुआ है एनहांस कैपेसिटी ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मतलब ये क्या करता है? पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन है उसको बढ़ावा देता है, रिड्यूस MMR मॉर्टिनल मॉर्टिनल रेट को बढ़ावा, मतलब कम करता है स्टैंडर्ड सब सेंटर। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो NRHM ये तीनों चीजें करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव, याद रखना, ठीक है। क्या इसका आंसर क्या होगा? ये तीनों चीजों को क्या करता है? बढ़ावा देता है, ठीक है, इन चीजों को बढ़ावा देता है। अब आप सोच रहे होगा मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है, ठीक है। तो हाईलाइट का रीजन ये है कि इस जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आपको क्या करना है? स्टार मार्क कर लेना है। क्या करना है? स्टार मार्क कर लेना है। और स्टार मार्क करने के बाद क्या करना है? इन स्टार को भी क्या करना है? हाईलाइट कर देना है और यहाँ पे लिख देना है 100%, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल वैसेक्टोमी द नॉन स्कैल्पल टेक्निक ऑफ वैसेक्टोमी, ठीक है। मतलब क्या करना है कि एक देखो मैं बताता हूं आपको वैसेक्टोमी क्या होती है। वैसेक्टोमी जो
परमानेंट, परमानेंट क्या होता है, स्टराइजेशन, परमानेंट स्टराइजेशन मेथड होता है। और ये मेथड किसके लिए होता है, जो स्टराइजेशन मेथड है वो टू टाइप के होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टोमी टोमी, एक होता है वैसेक्टोमी। ठीक है, अब जो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी यहां देखिए आप, जो ट्यूबेक्टोमी है ठीक है, ट्यूबेक्टोमी ये किसके लिए काम आती है, ये आती है फीमेल के लिए, और जो वैसेक्टोमी है, वैसेक्टोमी ये किसके लिए आती है, मेल के लिए, मतलब आदमियों के लिए। तो वैसेक्टोमी में क्या आती है, जो वास डिफरेंस होते हैं, वास डिफरेंस को या तो कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है, कट करके उनको बांध दिया जाता है। तो ये क्या है, इसमें ये बोल रहा है कंपैरिजन कन्वेंशनल वैसेक्टोमी इन द नॉन स्कैल्पल टेक्निक ऑफ वैसेक्टोमी, मैं पूछ रहा है कन्वेंशनल वैसेक्टोमी होती है और नॉन स्कैल्पल मतलब बिना किसी ऑपरेशन के, ओनली फॉर दो ऐसे छेद करके क्या करते हैं, डायरेक्ट वो डाल देते हैं, ठीक है, स्कोप डाल के और अंदर से कट करके वापस निकाल लेते हैं। तो इनमें लिखा हुआ है कि इनमें क्या कंपैरिजन है, ठीक है, इट इज इक्वली इफेक्टेड, ठीक है, ये बोला है ये दोनों इक्वली इफेक्टेड है, ठीक है, तो ठीक है, या ये कुछ इक्वली इफेक्टेड है, तो इसका अपन अगला देखेंगे। ऑप्शन बी लिखा हुआ है लेस टिश्यू इंजरी लेड टू लेस ब्लीडिंग, हाँ सही है, क्योंकि इक्वली इफेक्टेड है दोनों, इक्वली इफेक्टेड मतलब इनकी इफेक्टिवनेस जो होती है भाई, ऐसा तो नहीं है कि ये जो नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी है ये फेल हो जाएगी आगे जाके, नहीं होगी, ठीक है, ये जितना वैसेक्टोमी जो नॉर्मली वैसेक्टोमी होती है वो जितना इफेक्टिव रहती है, ये भी उतना ही इफेक्टिव रहती है, कौन सी, नॉन स्कैल्पल वाले। ऑप्शन बी है लेस टाइम इंजरी लीड टू लेस ब्लीडिंग, ओके, ये तो मैंने पहले बता दिया कि ओनली फॉर हल्का सी कुछ छेद करके डायरेक्ट वो स्कोप डाल के उसको कट कर देते हैं, ठीक है, तो इंजरी भी कम होगी, ठीक है, और क्या है, ब्लीडिंग भी कम होने के चांस है, मतलब ठीक है, ब्लीडिंग भी कम होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है द पीपल अपेयर टू बी लेस अप्रेंसिव अबाउट इट, ठीक है, और क्या है कि जो लोग हैं उनको इसके बारे में कम जानते हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है, तो ये सारी चीजें मतलब सही है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं किसके बिहाफ में, ये दिए गए हैं नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी के बिहाफ में, तो आंसर जो डी है, ठीक है, जो आंसर डी है इसका राइट आंसर है, किसके थ्रू, किसके बिहाफ में मांग रहा है ये आंसर, ये मांग रहा है वैसेक्टोमी, कौन सी वैसेक्टोमी, नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी के थ्रू में, तो आंसर क्या है इसका, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मदर टू, ये आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मदर टू चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग रिकमेंडेड हो जो प्रिवेंशन करती है मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिशन होने से, ठीक है, तो ये ड्रग किसको दी जाती है, सबसे पहली बात ये ड्रग दी जाती है मदर को दी जाती है, क्यों, क्योंकि अपन को क्या करना है, बच्चे को प्रिवेंट करना है कि वो बच्चे को क्या हो जाए, वर्टिकली, वर्टिकली क्या नहीं हो, HIV का ट्रांसमिशन नहीं हो, क्या नहीं हो, HIV का ट्रांसमिशन नहीं हो, तो उस बिहाफ में क्या एक ड्रग दी जाती है किसको, माता जी को एक ड्रग दी जाती है, ठीक है, और उस ड्रग का नाम क्या है, उस ड्रग का नाम है नेविरापाइन, ठीक है, कौन सी ड्रग है वो, नेविरापाइन, और टॉमोक्सिपेन सिट्रेट जब ड्रग होती है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इंडक्शन होती है, अगर किसी का ओव्यूलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाने के लिए टॉमोक्सिफेन सिट्रेट ड्रग दी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है डी, ठीक है, नेवारापाइन जो ड्रग है वो माताजी को दी जाती है, क्यों दी जाती है, प्रिवेंट करने के लिए HIV इन्फेक्शन टू द बेबी, क्यों, किसके थ्रू, वर्टिकल थ्रू के थ्रू, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपने एक न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये कम्युनिटी का जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो चुका है, अब न्यूट्रिशन अपन पढ़ेंगे, तो न्यूट्रिशन के अंदर मेनली चीजें ध्यान रखनी है, विटामिन के अलावा कोई बात याद नहीं रखनी है, और विटामिन और PEM के अलावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, न्यूट्रिशन से कुछ क्वेश्चन फिक्स है और उनका फिक्स है वो आएंगे आएंगे, तो ये न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत बार मैंने देखा है कि हर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को आप कितने हो गए, 5, 6 और 7, 7 स्टार लगा दीजिए इसके, 7 स्टार है, ठीक है, इसको एक डब्बे में पैक कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 99,
99.9%, ठीक है, ये क्वेश्चन आने जा रहा है, कौन सा, मिड डे मील, मिड डे मील एमडीएम का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड्स हाउ मेनी कैलोरी एंड प्रोटीन पर डे। क्या होता है, मिड डे मील जो है स्कूलों के अंदर जो बच्चे नहीं आते थे उनको इंकरेज करने के लिए भी स्कूल के अंदर आए, ठीक है, और उसके थ्रू क्या है कि उनको कुछ कैलोरी, ठीक है, और कुछ ये जो प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, फैट वगैरह, उनको उस खाने, उनको सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा क्या दिया जाता था, वहां पे आहार दिया जाता था, जो पोषण है वो मतलब खाना है वहां पे दिया जाता था, ठीक है। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है प्रोवाइड हाउ मेनी कैलोरी, ये पूछ रहा है कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो कैलोरी कितनी देती है। तो जो कैलोरी है, कैलोरी के हिसाब से जो मुझे जहां तक याद है 300 कैलोरी और 8 से लेके 12 ग्राम जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो मिड डे मील के अंदर दिया जाता है। जो मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कैलोरी 300 ग्राम और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन किसमें दिया जाता है, मिड डे मील प्रोग्राम में दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि 300 कैलोरी एंड 6 से 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो 6 से 12 नहीं देते, ठीक है, 300 कैलोरी राइट है लेकिन 6 से 12 नहीं देते, 8 से लेके 12 ग्राम प्रोटीन देते हैं, ठीक है। उसके बाद 200 कैलोरी, 200 बिल्कुल नहीं देते, ठीक है, 300 कैलोरी ओके राइट है, 8 से 12 ग्राम ये भी सही है और प्रोटीन देते, ठीक है, 200 कैलोरी ये भी। तो आंसर इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या जाता है अपना, आंसर जाता है इसका सी। और मैं सभी बता दूंगी जो ये स्टार लिखे हुए ना, तो इनको इस क्वेश्चन को देख लेना, स्टार मैंने लगाया है, ठीक है। तो मिड डे मील का जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीवियर मसल फास्टिंग ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर ऑफ, ये बोल रहा है सीवियर मसल फास्टिंग, ठीक है, मसल्स की वास्टिंग हो रही है सीवियर तरीके से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये किसका क्वेश्चन है, पीएम का, जो मैंने बताया पीएम इंपॉर्टेंट है, पीएम क्वेश्चन है, पीएम के अंदर दो डिजीज आती है, क्वाशीरकोर और मेरास्मस। मेरासस में बड़ा बच्चा जो होता है वो मरा मरा दिखता है, मरा मरा दिखता है, ठीक है। और क्वाशीरकोर में क्या होता है, बच्चे का जो पेट है, वो एडिमा लगता है उसको, एडिमा दिखता है, एडिमा और मून लाइक मतलब फेस हो जाता है, मून लाइक, ठीक है, फेस हो जाता है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि क्वाशीरकोर बेरी बेरी स्कॉर्पियो और मेरास्मस, तो इसके अंदर देखो सीवियर मसल फास्टिंग हो रही है, ग्रोथ फेलियर लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट हो रही है, ठीक है। तो मेरास्मस में मैंने क्या बोला, ये बच्चा यहाँ पे इसमें जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो क्या दिख रहा है, मेरास्मस के दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, मेरास्मस के दिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मेरास्मस जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर, मेरास्मस जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा इसका आंसर, मेरास्मस जाएगा इसका आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या है, डी है इसका राइट आंसर। और प्रोटीन ये जो मेरास्मस है ये किसकी वजह से होता है, ये एनर्जी की कमी की वजह से होता है, ठीक है, हल्की बहुत मात्रा इसकी प्रोटीन भी कम होता है इसके अंदर। तो जो क्वाशीरकोर है वो मेनली डिपेंड होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसके अंदर एडिमा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद स्कर्वी रोग आता है, स्कर्वी विटामिन सी ओके स्कर्वी आता है विटामिन सी की वजह से कम होता है, ठीक है। और जो बेरी बेरी है, ठीक है, जो बेरी बेरी है वो थायमिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ये क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी पीएम की बात आ रही है, ठीक है, पीएम, पीएम के अंदर फर्स्ट इंडिकेटर, ऐसे कौन से इंडिकेटर जिससे अपन दिखाया जा सकता है, जताया जा सकता है कि इस पेशेंट को या इस बच्चे को पीएम मालन्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है ओवरवेट फॉर एज, वीक एंड लेथार्जिक चाइल्ड, अंडरवेट फॉर एज, चाइल्ड हैविंग लेस इनटेक ऑफ, ठीक है। तो क्या होता है जब पीएम की कंडीशन आती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तब क्या होता है बच्चे का जो वेट होता है, ठीक है, बच्चे का जो क्या होता है वेट होता है, बच्चे का जो वजन होता है, ठीक है, वजन क्या है उम्र के हिसाब से नहीं होती है उम्र के हिसाब से नहीं होती। अगर मान लो उसका 10 साल का है तो उस हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो फर्स्ट इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, वेट फॉर एज, मतलब अंडरवेट होता है और फॉर एज, एज के हिसाब से अंडरवेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो आंसर है, ठीक है, वो आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा आंसर सी, ठीक है, आंसर इसका क्या जाएगा, सी जाएगा। और मैं फिर वापस स्टार मार्क करने वाला हूँ, स्टार कर लीजिएगा इसको भी, ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इन विच फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल, इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है, मतलब फैट सोल्यूबल नहीं है तो ये क्या पूछ रहा है, वाटर सोल्यूबल पूछ रहा है, वाटर सोल्यूबल पूछ रहा है। ठीक है, जो मेरा भागचंद दोस्त है, कौन है मेरा दोस्त, कौन है भागचंद, ठीक है, जो मेरा भागचंद दोस्त है वो क्या है, उसको पानी बहुत पसंद है, ठीक है, क्या है, पानी बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, भागचंद, भागचंद हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, वाटर सोल्यूबल बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और बाकी बचे ए डी ई के, जो ए डी के ये क्या है, फैट सोल्यूबल, तो सारे फैट सोल्यूबल इनमें से ऐसा बी और सी में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो क्या है इसके अंदर प्रेजेंट, ऑप्शन के अंदर देखिए आप, फैट सोल्यूबल इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं, मतलब सारे फैट सोल्यूबल एक नहीं, एक कौन सा है, ये विटामिन सी, जो भागचंद का जो हमारा सी है, ठीक है, वो आंसर वो क्या है, भागचंद का हमारा जो भागचंद है उसके अंदर जो सी है वो क्या है, हमारा फैट सोल्यूबल नहीं है, वो भागचंद हमारा तैराक है और उसको पानी पसंद है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द नर्स मस्ट बी अवेयर दैट ईटिंग माइस अलोन में लीड टू, ठीक है, अगर कोई नर्स क्या कर रही है, सॉरी एक सेकंड ना, नर्स क्या कर रही है, माइस खा रही है, क्या खा रही है, माइस, माइस बोले तो मक्का, मक्का, मक्का खा रही है, तो इनमें से कौन सा मक्का, नर्स में भी अवेयर देता है ईटिंग माइस अलोन में लीड टू, नर्स मक्का खा रही है, मक्का से कौन सी बीमारी होगी, मक्का से कौन सी बीमारी, मक्का से कौन सी होगी, पेलेग्रा बीमारी होगी, ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी इसका आंसर है, पेलेग्रा बीमारी किससे होगी, मक्का से होगी, जो ज्यादा मक्का खाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या है कि जो माइज होती है, जो मक्का होते हैं, अपने मक्का जो जितने भी खाने वाले जो लोग हैं उनको कौन सी बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं, उनको कौन सी बीमारी होने के चांस होते हैं, पेलेग्रा, कौन सी होते हैं, पेलेग्रा बीमारी होने के चांस, आंसर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, और सभी जने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। तो मोर क्वांटिटी कंटेंट इन आमला, आमला के अंदर क्या पाया जाता है, आमला क्या है, आमला क्या, आमला एक है सिट्रिक साइट्रिक फूड, साइट्रिक फूड है, ठीक है, साइट्रिस क्या है, फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट बोल सकते हैं, साइट्रिस एक बोलते हैं, ठीक है, साइट्रिस कंटेंट होता है इसके अंदर साइट्रस, तो साइट्रस कौन सी विटामिन के अंदर पाया जाता है, तो साइट्रस जाता पाया जाता है विटामिन सी, मतलब विटामिन सी उन उनके अंदर पाया जाता है जो साइट्रस फ्रूट होता है उनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, और आंवला के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका विटामिन सी, विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज प्रेजेंट इन, मतलब ये बोल रहा है कि फूफा किसमें पाया जाता है, फूफा नॉट फूफा, ठीक है, फूफा नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है पी यू एफ ए, फूफा, जो फूफा होता है वो खाने के लिए अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो ये बोल रहा है हाईएस्ट परसेंटेज, मतलब इनमें से क्या है जिनके अंदर फूफा पाया जाता है, नॉट फूफा, ठीक है, फूफा पाया जाता है, तो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ, आंसर इसका बी है सोयाबीन, सोयाबीन होती है, ठीक है, सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन जो ऑयल होते हैं उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसके अंदर फूफा पाया जाता है, फूफा नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर विल बी सोयाबीन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहा हूं अच्छे से देख जाएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया जितने भी, अगला क्वेश्चन करवाने से पहले अब जो तुम्हारी नर्सिंग जो न्यूट्रिशन थी, ठीक है, न्यूट्रिशन का जो पोर्शन था वो यहीं पे समापन किया जाता है, अब आ जाता है अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक मतलब बच्चों वाली नर्सिंग का, ठीक है, बच्चों वाली के अंदर अपन पढ़ते हैं कि बच्चे के अंदर क्या पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन ए प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, मतलब थैलेसीमिया हो रखा है, ठीक है, थैलेसीमिया किसको हो रखा है, बच्चे को हो रहा है, थैलेसीमिया में क्या होता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, थैलेसीमिया क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाता है, तो ये बोल रहा है कि इनके सबसे बेस्ट बेस्ट मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट TREAT ट्रीटमेंट कौन सा होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कौन सा होता है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट, रेडिएशन थेरेपी, स्टेरॉइड थेरेपी, देखो स्टेरॉइड थेरेपी इसमें काम नहीं आती, स्टेरॉइड थेरेपी बेकार, रेडिएशन कैंसर वाली में, ठीक है, कीमोथेरेपेटिक कैंसर वाली में, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट आंसर, ठीक है, इसके अंदर थैलेसीमिया का सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, थैलेसीमिया वाले अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, बेस्ट आंसर क्या जाएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना सबसे बेस्ट
क्वेश्चन आंसर जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा आप, स्टार लगा लिया थैलेसीमिया, इसको लगाना है थैलेसीमिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन चाइल्ड के बारे में क्या कहता है बच्चे का। द नर्स इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द नियोनेट ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग, तो नर्स क्या कर रही है, इवैल्यूएट कर रही है एडिक्वेसी ऑफ द नियोनेट ऑक्सीजन, मतलब छोटा नियोनेट है उसके अंदर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कर रही है और उसकी एडिक्वेसी चेक कर रही है, ठीक है। तो नर्स कहाँ चेक करेगी, ऑप्शन है साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूसली, आर्टरियल ब्लड गैस लेवल, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या बोल रही है कि ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर मान लो किसी ओ एक्स वाई जी ऑक्सीजन किसी बच्चे को चल रहा है नियोनेट को, तो उसकी एडुकेशन मतलब उसकी परसेंटेज प्रतिशतता ज्ञात करने की, इसको ऑक्सीजन जो दे रहे हैं अपन, ठीक है, वो प्रॉपर मात्रा में इसकी बॉडी में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या ब्लड के अंदर उसको अच्छे से जा रहा है नहीं जा रहा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं आर्टरियल ब्लड गैस करते हैं, एबीजी करते हैं, और एबीजी करने से पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलएच टेस्ट, क्यों कहता है ये अल्नर और रेडियल जो आर्टरी है उनकी पैटेंसी को चेक करने के लिए ये किया जाता है। और याद रखिएगा जो आर्टरियल ब्लड होता है वो थोड़ा ब्राइट होता है, आर्टरियल ब्लड क्या होता है, BRIGHT ब्राइट होता है, रीजन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ न्यू बॉर्न साइन ऑफ एस्पेक्सिया एट बर्थ न्यूअर्स शुड इमीडिएटली, एस्पेक्सिया क्या होता है, एस्पेक्सिया होता है कि डिफिकल्टी, डिफिकल्टी होती है किसके अंदर, सांस लेने में, ठीक है, क्या होती है मतलब ब्रीथिंग, या मतलब जो भी प्रॉपर मात्रा में ब्रीथिंग ले रहा है उसके अंदर डिफिकल्टी होती है, अच्छे से सांस ब्रीथिंग मतलब अच्छे से प्रॉपर अच्छे से ब्रीथिंग नहीं होती। जो एस्पेक्सिया होता है उसके दो टाइप होते हैं, दो, एक तो होता है लिविडा, लिविडा और एक होता है पेलिडा। पेलिडा के अंदर क्या होता है, इसको अंदर ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल मतलब बच्चे को अपन बता सकते हैं लिविडा के अंदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि न्यू बॉर्न जो होता है वो कौन साइन शो करता है, कौन सी साइन शो करेगा एस्पेक्सिया के अंदर, नर्स वुड इमीडिएटली, तो उसके अंदर नर्स क्या करना, मतलब तो सबसे पहले क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको हटाएगी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन को खोलेगी, ओपन करेगी ऑब्स्ट्रक्शन, उसके बाद क्या करेगी, ऑक्सीजन देगी, ठीक है, क्या करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तो आंसर विल बी इसका क्या है, आंसर बी है, प्रायोरिटी वाइज आंसर बी इसका होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले जो एयरवे उसको क्लीन करेगी, उसके बाद क्या करेगी, ऑक्सीजन स्टार्ट करेगी। अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किधर गया, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कहता है ऑल आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑन नर्सिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड विद सीवियर डायरिया, सारे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है नर्सिंग केयर के सारे ये दर्शाते हैं कि सीवियर डायरिया हो रहा है बच्चे को, ठीक है, सारे मतलब नर्सिंग केयर कर रहे हैं सीवियर डायरिया के अंदर, एक को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड ऑरली एंड पैरेंटली, सही है, ये भी रहने भाई डायरिया के अंदर जो क्या डीआरटी होने चांस बढ़ते हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसको फ्लूइड देंगे ऑरली और पैरेंटली, टैकिंग वेट डेली ये भी करेंगे, रिप्लेसिंग लॉस्ट कैलोरी ये भी करेंगे, मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये भी करेंगे। अब इनमें से बोला डायरी सीवियर डायरिया हो रहा है तो इनमें से क्या नहीं करेंगे, ठीक है, ये बोला एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फ्लूइड पैरेंटली, ठीक है, तो टैकिंग वेट डेली, ठीक है, रिप्लेसिंग लॉस्ट कैलोरी और मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो ठीक है, इसके अंदर आंसर क्या है, इसके अंदर ओला एसेंशियल सारे एसेंशियल है, जब अपन फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं तो सारे एसेंशियल है, एक को छोड़ के बी रीजन बिहाइंड वेट लेंगे, बट कुछ होल्डली लेंगे वेट, ठीक है, डेली लेंगे, ओके, लेकिन होल्डली सबसे बेस्ट रहता है इंडिकेटर, अगर कोई अपन ने एडमिशन फ्लूड एडमिशली किया है तो उसका जो अपन को जो चेक करना है वो टेकिंग वेट होल्डली के हिसाब से चेक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ओआरएस इंक्लूड, कौन 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 से कंपोनेंट होते हैं, देखो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, पानी होता है और शुगर होती है। अब इसमें देख लो ग्लूकोज या शुगर बोल दो इसको, इसके अंदर देख लो कि सोडियम क्लोराइड कहाँ पे है, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ठीक है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर ही सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इसमें 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 सब में, ठीक है, सोडियम सिट्रेट इसमें नहीं है, ठीक है, सोडियम सिट्रेट इसमें है, NaCl3 इसमें नहीं है, MgSO नहीं है, H2 है लेकिन शुगर भी है, इसमें H2 शुगर दोनों ही है, इसमें शुगर है लेकिन सोडियम सिट्रेट नहीं, तो आंसर विल बी बी, राइट आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी, आंसर क्या होगा इसका बी, क्यों आज के अंदर ये चीजें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, सारे डायग्नोसिस है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, ए नर्स एजुकेट द मदर टू डू ऑल, सारी चीजें करनी है किसी बच्चे को डायग्नोस हुआ है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, नर्स एजुकेट करती है माँ को कि सारी चीजें करनी है, एक को छोड़ना है, वॉश एंड फ्रीक्वेंटली, ये तो करना ही है, सबसे पहले करना है, क्लीन आई प्रिस्क्राइब, शेयर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ, आई ड्रॉप, तो शेयर टॉवल एंड वॉश ये तो बिल्कुल नहीं करना, किसी कोई भी चीज अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो किसी से शेयर नहीं करना, किसी को अपना जो भी कपड़े होते हैं वो कपड़े क्या करते हैं, कपड़े और टॉवल, टॉवल अपन को शेयर नहीं करना, तो आंसर विल बी सी इज करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आ गया, पीडियाट्रिक आपकी खत्म हो चुकी है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग ठीक है क्या चुकी है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं कुछ मेनिया वाले क्वेश्चन और कुछ डिप्रेशन वाले हालचाल। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ क्लाइंट मेक अप स्टोरी टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ मेमोरी, एक ऐसा पेशेंट है जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आया और क्या कर रहा है, अपन को कहानी सुना रहा है, तो उस कहानी के बीच में क्या हुआ है, लेकिन वो झूठी कहानी सुना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्फैबुलेशन, क्या बोलते हैं कन्फैबुलेशन, मतलब वो झूठी कहानी सुना रहा है उसको क्या बोलते हैं कन्फैबुलेशन कहते हैं, या वो कन्फैबुलेटिंग कर रहा है, वो कहानी को भर रहा है, झूठी कहानियों को भर रहा है, उसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका डी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, फॉर द क्लाइंट विद एल्कोहलिंग द प्राइमरी रिहेबिलिटेटर इज द, मतलब द क्लाइंट है जो एल्कोहल लेता है लेकिन उसका जो प्राइमरी रिहेबिलिटेटर है वो कौन है, याद रखना अगर आप गंदी आदत कुछ गंदी चीजें सीख रहे हो तो गंदी चीजें सुधारने का जो प्राइमरी रिहेबिलिटेटर है वो खुद होता है क्लाइंट, कौन होता है, खुद होता है स्वयं, खुद के बिना आप अपने आप को नहीं सुधार सकते, चाहे भगवान आ जाए नीचे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वो क्लाइंट जो पी रहा है वो ये, कौन है, क्लाइंट जो पी रहा है वो ये, इसका आंसर क्या है, सी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच थेरेपी यूज फॉर ट्रीटिंग फोबिया, इनमें से कौन सी थेरेपी है जो फोबिया को ट्रीट करती है, अब फोबिया क्या होता है, फोबिया क्या है, फोबिया है कि रियल डेंजर, रियल जो डेंजर होता है उसको देख के मतलब डर लगना, ठीक है, डरा डर, ठीक है, उसको बोलते हैं फोबिया। एवर्जन थेरेपी, एवर्जन थेरेपी अल्कोहल में जाती है, ईसीटी साइकेटिक पेशेंट में जाती है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और हाइपनोसिस, इसे मतलब जो पुरानी बातें उनको याद करनी है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है, सी इसका आंसर है, सी इज राइट, मतलब आप क्या करो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, इसका आंसर क्या है, सी है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, सी इज राइट आंसर, इसके अंदर फोबिया के अंदर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट विद ओसीडी फ्रीक्वेंटली वॉश हिज हैंड एंड व्हाट इज द रीजन, मतलब कोई पेशेंट है वो क्या कर रहा है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो रखा है उसको, और वो क्या कर रहा है, हाथ को धो रहा है, वॉश कर रहा है हैंड्स को बार बार, क्यों करता है, जब ओसीडी कंपल्सिव डिसऑर्डर का अगर कोई पेशेंट होता है तो उसको ये लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं बार बार, ठीक है, इसी रीजन से वो अपने हाथ बार बार धोता है। इनमें से ऑप्शन में देखो, ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन, नहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, ही प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम डर्ट, ओके राइट, ही आंसर रिलीव एंजाइटी, नहीं ऐसा, ही इज द पार्ट ऑफ, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता, इज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्ट फॉर साइकेटिक, नहीं ये पार्ट ऑफ नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है, कि वो ऐसा उसको लगता है, क्या लगता है, कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे क्या है हो गया है, मेरे कोई धूल चीट गई है, ठीक है, धूल लग गई है, तो मैं बार बार अपने हाथों को धोऊं। फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल, मतलब कोई भी जो रियल रियल है, रियल एक्सटर्नल है वो एब्सेंस है, ठीक है, एब्सेंस है, ए बी एस एन एब्सेंस है, कोई भी रियल स्टिमुलाई है वो एब्सेंस है और परसेप्शन हो रहा है फॉल्स, ठीक है, इट्स कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन बोलते हैं, अगर जो रियल स्टिमुलाई है वो अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इल्यूजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर हैज नैरो थेरेप्यूटिक रेंज, लिथियम की थेरेप्यूटिक रेंज क्या होती है, ठीक है, जो लिथियम की थेरेप्यूटिक रेंज है वो क्या होती है, 0.07 से लेकर 1.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट इसका आंसर देना है। रैपिड स्पीच इन विच द वर्ड आर स्ट्रंग टुगेदर विदाउट मीनिंग, मतलब कोई भी, मतलब क्या कर रहा है, फास्ट फास्ट बोल रहा है,
और जितने भी वर्ड है वो एक साथ आपस में घुस रहे हैं, ठीक है, आपस में घुल रहे हैं, मतलब एक साथ अंदर एक साथ घुस रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड सलाद, क्या बोलते हैं, आंसर इज राइट ए वर्ड सलाद होगा, क्योंकि सारे वर्ड एक साथ घुस रहे हैं तो वो सलाद बन गया उन वर्डों का, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्ड सलाद बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर इज नॉन, रीडिंग डिसऑर्डर हो गया डेवलपमेंट का, उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया बोलते हैं, स्टार 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 स्टार, ठीक है, याद रखना डिसलेक्सिया बोलते हैं। और डिसकैलकुलिया क्या है, किसी मैथमेटिकल कंडीशन के अंदर अगर कोई हो गया उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पार्ट ऑफ माइंड दैट डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड एक्ट एज अ सेंसर ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, मतलब माइंड का वो सा पार्ट जो ये चीजें करता है कि राइट क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, सही क्या है, गलत क्या है, उसको क्या बोलते हैं, सुपर ईगो बोलते हैं, ठीक है, सुपर ईगो बोलते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी है जो किसने दी थी, सिग्मोइड भाई ने दी थी, सिग्मोइड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड आईक्यू लेवल रेंज बिटवीन 50-60 और चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाइल मेंटल रिटार्डेशन और माइल्ड मेंटल, इसका आंसर होगा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, राइट आंसर इज ए, और स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर थेरेपी एक्ट ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल, पेयरिंग ऑफ द प्लीजेंट स्टिमुलस विद एन अनप्लीजेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब क्या होता है, दवाई देके किसी अच्छी चीज को छुड़वाना, जिसे दारू पीने वाले को दवाई देके वो दारू छुड़वाना, तो वो कहलाता है पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस अनप्लीजेंट, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एवर्जन थेरेपी, एवर्जन थेरेपी उसको बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, क्या होगा इसका आंसर, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आज का जो ये क्लास है यहीं पे समापन होता है इसका, तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, एनएचएम के लिए बेस्ट एंड बेस्ट मैंने जो निकाल के दिया है, ठीक है, और मैं कहता हूँ जितने स्टार लगाए मैंने हर क्वेश्चन के अंदर, तो आप मान लीजिए वहां से टॉपिक आना है, ठीक है, और एक डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडिसिटी याद कर लेना, ठीक है, डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन याद कर लेना, ठीक है, इनसे एक दो एक एक एग्जाम्पल आएंगे, और उसके बाद आज की क्लास अपन यहीं पे समापन करते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ लाइक जरूर करिए इस वीडियो को, शेयर करिए इस क्लास को, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज एनएचएम की जो क्लास है, जितने भी आपके दोस्त है, जितने भी आपकी क्लास है, उनके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद आप सभी को, और आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं हम, धन्यवाद।